अस्सलामु अलैकुम। सेंटर फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और मिनहाज यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं कमर अली, और आज हमारे साथ बड़े ही डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं डॉक्टर अली हसनैन साहब। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं लम यूनिवर्सिटी में। आपका जो रिसर्च एरिया है वो रिफॉर्म्स इनिशिएटिव्स पर है, और आपके ब्लॉग्स और आपकी रिसर्च द गार्डियन में, द इकोनॉमिस्ट में और वर्ल्ड बैंक के ब्लॉग्स में भी पब्लिश हो चुकी है। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है आपका। सर डॉक्टर साहब, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपके मिजाज अच्छे होंगे। डॉक्टर साहब, फरमाइएगा कि पाकिस्तान में जो इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं और वो बड़े सीवियर होते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की करेंसी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं सर? पहले थोड़ी सी आप इस कंडीशन को बताएंगे के लाइक पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस हमें किस डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आपको और आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका दावत देने का, बहुत आपका हौसला अफजाई है। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम सब मिलकर जब तक जिम्मेदारी के साथ अपने माशी मुल्क का जायजा खुद ना लें और उसको बाकायदगी से पढ़े नहीं, तब तक मेरा ख्याल है हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये चीज़ चलती रहेगी। तो ये मैं आपको और आपके सेंटर को बिलखसूस और यूनिवर्सिटी को इन जनरल ये अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है वो ये है कि हमारी इकोनॉमी का डिक्लाइन एक बहुत सेट पैटर्न के ऊपर चल रहा है, और आज से नहीं चल रहा, कई दिहाइयों से चल रहा है। लेकिन इस और जैसे कोई एक मसला होता है कि जो एक स्टेबल तरीके से चल रहा हो, तो होना ये चाहिए कि उस मुल्क में ये शऊर पैदा हो कि मसला एग्जैक्टली है क्या और उस मसले के हल क्या हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे हम आप कह लें एक तारीखी के अंदर अभी हमारा हमारे हमारे ऊपर दौर आया हुआ है, और हमारे यहाँ इतना इतनी आगाही नहीं पैदा हुई कि माशी हमारे मसाइल क्या हैं, और हम एक आप समझ लीजिए ऐसी डिबेट्स के अंदर पड़ जाते हैं जो कि डायरेक्टली जिनका कोई बेनिफिट नहीं है। सो उसमें जो मसाइल हैं वो मैं आपको डिटेल में विद डेटा दिखाऊंगा, लेकिन ये चीज़ स्टार्ट में ज़रूर हमें समझनी चाहिए कि ये मसाइल आज के पैदा किए हुए नहीं है, ये कई दहाइयों के मसाइल हैं, और जब तक हम उन मसाइल को डायरेक्टली टैकल नहीं करेंगे तो ये शॉर्ट टर्म में जो हम जो जो हमारी गुफ्तगू रहती है कि IMF कैसे कर लें या ये कोई एक पॉलिसी चेंज कर लें, इन चीज़ों के अंदर मेरे नज़दीक कोई खास बेनिफिट नहीं रखा। डॉक्टर साहब, रूट कॉज से स्टार्ट करें, आप बताएंगे कि सिचुएशन तो हम देख सकते हैं कि सीवियर है। हमने हाल ही में देखा कि हमारा हमसाया मुल्क श्रीलंका, वो डिफॉल्ट कर गया। वो उनके क्रेडिटर्स ने बकायदा तौर पे अनाउंस कर दिया कि ये अपने डेट रीपे नहीं कर सकते। और अगर हम डिफॉल्ट इंडेक्स पे पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान तीसरे या चौथे नंबर पे आ रहा है। सिचुएशन तो क्रिटिकल है, इसमें तो कुछ नहीं है। आप मुझे बताना चाहेंगे कि सर ये इसकी क्या वजूहात है? हमने 90s में भी देखा, ठीक है, हमने अर्ली 2000 में भी देखा, ठीक है, ये कब तक मतलब कि इस तरह सिलसिला चलता रहेगा? हमने थोड़ा सा ऑब्जर्व ये किया है, जो चीज़ अक्सर लोगों के पॉलिसी मेकर जिसको स्किप कर जाते हैं, कि पाकिस्तान एक जस्ट लाइक अ प्रोजेक्ट बेस्ड इकोनॉमी है। जब भी कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रोजेक्ट मिलता है हमें, ठीक है, तो हमें उधर से USA से UN से डॉलर्स मिलेंगे, बकायदा मिलेंगे कि आपको ये प्रोजेक्ट मिला, आपने इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, आपका ये असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट के अगेंस्ट हमें जितना भी नुकसान हो रहा है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेस हो रही है, लॉ इन्फोर्समेंट में नुकसान पहुंच रहा है, बट एट द सेम टाइम वी आर गेटिंग सो मच डॉलर्स जिससे हमारा BOP स्टेबल रहता है, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं रहते। अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास कोई प्रोजेक्ट तो है नहीं, क्या करेंगे हम? देखिए, मेरे नज़दीक एक मईशत की मजबूती डॉलर्स में नहीं है, या किसी ने आपको डॉलर्स दे दिया उस पर नहीं है। मईशत की मजबूती डॉलर कमाने की सलाहियत रखने में है, और
हमने जब भी ये इस तरह के आप जिन प्रोजेक्ट्स का जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो 80 की दहाई की अफगान वॉर हो, जियाउल हक की डिक्टेटरशिप के जमाने में, चाहे वो मुशर्रफ के जमाने में अफगान वॉर नंबर 2 हो, या कोल्ड वॉर में रशिया के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ अमेरिका के इंटरेस्ट हमारे साथ अलाइन किए। उसके बाद पिछले दिहाई में सीपेक में चाइना के इंटरेस्ट हमारे साथ अलाइन किए। जब भी इस तरह की कोई एक्सटर्नल फोर्स आपके साथ कॉपरेट करती है, तो वो आपको, वो पाकिस्तान को डायरेक्टली फिक्स नहीं कर सकते उन, और ना वो करना चाहते, उनके मफाद आप जाहिर है अपने अपने हर किसी के होते हैं। उनका आपको फाइनेंशियल बेनिफिट देने से कई दफा नुकसान भी होता है। और एक बहुत बड़ा नुकसान जो हमने उठाया वो ये है कि हमारी प्रायोरिटी में अपनी डोमेस्टिक जो हमें रिफॉर्म्स करने हैं वो प्रायोरिटी नहीं बने। अब हम अक्सर यहाँ एक आप कह लें आम डिस्कशंस के अंदर ये बात होती है कि जी हमें पाकिस्तान को अगर ठीक करना है तो पाकिस्तान में हमें पैदावार बढ़ानी है। मिसाल के तौर पे स्मार्टफोन पॉलिसी आई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम स्मार्टफोन पाकिस्तान में क्यों ना असेंबल करें। उससे पहले कार इंडस्ट्री पिछले कुछ 30-40 साल से वो बनाने की, ट्रैक्टर आज तक हम सही तरह बना नहीं सके। मेरे हिसाब से, मेरी सोच में इकोनॉमी एक पुर्जा या एक प्रोडक्ट बनाने में से अकम्पलिश नहीं होती। आपने एक सिस्टम बनाना है जिसके अंदर आप लोगों को ये डायरेक्ट नहीं कर रहे नेसेसरीली कि आप क्या बनाएंगे। बेशक वो खिलौने बना के बेच रहे हो, लेकिन एक ऐसा स्टेज देंगे जहां से लोग अपनी सलाहियत के हिसाब से, एक तो अपनी सलाहियत बढ़ा रहे हो और नंबर दो अपनी सलाहियत के हिसाब से किसी वक्त पे जो सलाहियत है उससे जो मुनाफा उठा सकते हैं वो मुनाफा ऐसा लेकर आए पाकिस्तान के अंदर जिससे पाकिस्तान की तरक्की होगी। बिल्कुल वो अभी तक हम नहीं कर सके, लेकिन बिल्कुल आपकी बिल्कुल इजाजत से फिर शायद बेहतर जी ये जी होगा मैं कि डॉक्टर साहब आपको कुछ हम चीजें ऐड करना चाहूंगा। आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि पाकिस्तान एक सेट पैटर्न से डिक्लाइन कर रहा है। आपने बताया कि रिफॉर्म्स की जरूरत है, आपने फरमाया कि पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो श्रिंक होती जा रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपने फरमाया कि हमारा सिस्टम जो है ठीक है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुका है, कॉलोनियलाइज सिस्टम है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चाहूंगा कि आप डैरन एसी मैग्लू की रिसर्च का भी बताएं कि हम कब ये कॉलोनियलाइज सिस्टम से बाहर निकलेंगे, हम डेवलपमेंट टू इंस्टीट्यूशन कब की तरफ कब बढ़ेंगे। ठीक है, आपने बहुत खूबसूरती से बताई कि ये इनकी रूट कॉज क्या है, पाकिस्तान के जो मौजूदा फाइनेंशियल क्राइसिस हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट कि इनकी रूट कॉज आपने बड़ी खूबसूरती से बयान फरमाई। मैं चाहूंगा सर आपसे कि आप काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिए और हम अपने नाजरीन को और स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और पॉलिसी मेकर्स को कुछ अपने तरफ से सजेशन देना चाहेंगे कि हम इसको किस तरह इन मौजूदा सूरत हाल से पाकिस्तान को निकाल सकते हैं। सर प्लीज। ऐसे मौकलों पर मैं आपकी इजाजत से कॉन्वर्सेशन के आखिर में आऊंगा, अगर ना आया तो आपने मुझे याद दहानी करनी, क्योंकि वो मैं नोट कनेक्ट कर करता है लेता हूँ कॉन्वर्सेशन सर के एंड पर। लास्ट लेकिन में। हम जो, हम जिस जिस चीज की बात अभी कर रहे हैं वो ये है कि हमारे मसाइल आज के पैदा किए हुए नहीं है, कई दहाइयों से एक ही रास्ते पे हम चल रहे हैं। तो इसमें मैंने कुछ ग्राफ्स वक्त के साथ साथ इकट्ठे किए हैं कई सालों से, जो इसी तरह की, जिस तरह आपने आज मधु किया और लोगों के साथ इसी तरह की गुफ्तगू होती रही है, और ओवर टाइम एक आप समझ लीजिए ब्रॉड डायरेक्शन बनी है, जिससे या ब्रॉड फिगर्स हैं जो मैंने इकट्ठे किए। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं जिसपे हाल में बहुत परेशानी है। स्टेट बैंक का ग्राफ है जो ये शो ये कर रहा है कि अगर मंथ टू मंथ पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट किस तरह मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर। और इस ग्राफ में दो बातें देखने वाली हैं, एक तो ये कि इसकी एवरेज 0.7 है, यानी हर महीने पाकिस्तानी रुपी अपनी 0.7% वैल्यू लूज करता है रिलेटिव टू डॉलर। दूसरी चीज ये है कि वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि इसके अंदर एक इंस्टेबिलिटी पैदा हो रही है कि डॉलर इराटिक तरीके से मूव कर रहा है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे फर्क ये पड़ता है कि हमने
ओवर टाइम ये जो मैंने आपको पहले दिखाया रुपी की मूवमेंट, ये है तो सस्टेन, यानी कोई ऐसी दिहाई नहीं आई जिसके अंदर डॉलर एक जगह पे रुके या डॉलर की कीमत में कमी आए। लेकिन इसमें एक इस एवरेज के पीछे स्पेसिफिक कुछ हमें इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है जिसको हम इस तरह देखते हैं। ये इसका मेरे पास सोर्स नहीं है, एक साहब ने शेयर किया हुआ था ग्राफ, और ये मेरी कोताही है कि मैं उनका वो नहीं ऐड कर सका, आइंदा कभी करूंगा इंशाल्लाह। इसके अंदर ये ब्लू ग्राफ आपको ये दिखा रहा है कि हमने कब कब रुपी और डॉलर एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो जियाउल हक साहब के जमाने में, इससे पहले अगर चले जाएं तो 60s में अयूब साहब ने भी कोशिश की, फिर जिया साहब ने कोशिश की, उसके बाद मुशर्रफ साहब ने 60 पे रखा था जो अक्सर आपकी ऑडियंस को शायद याद हो, और फिर डार साहब ने 2013 से 2018 में 100 के ऊपर रखा। जब भी ये एपिसोड्स आए हैं कि हमने डॉलर के को जबरदस्ती एक कीमत पे रोक के रखा है, तो पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट, यानी कि पाकिस्तान की इंपोर्ट किस हद तक एक्सपोर्ट से ज्यादा है, या ऑल्टरनेटिवली एक्सपोर्ट में डेफिशिएंसी कितनी है, वो मजीद खराब हुई है उस जमाने में। तो मुशर्रफ साहब के जमाने में हमारे एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कोई 15% से लेकर कोई 12% तक आए, और 15% का जो नंबर था मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ये काफी मुनासिब आप कह लें एक परफॉर्मेंस थी रिलेटिवली। और वो 12% था, फिर डार साहब ने जो 2013 से 2018 तक डॉलर को 100 पे जबरदस्ती रखा, जिद में रखा, मैं समझता हूँ उस जमाने में हम 12% इकोनॉमी एक्सपोर्ट से 8% पर आई। अब डॉलर और रुपी की मैं अगर आपके ले पर्सन ऑडियंस को एक चीज समझाना चाहूँ, वो ये है कि डॉलर महंगा हो रहा है, इसका नुकसान भी है और फायदा भी है। फायदा भी है। जब डॉलर अचानक महंगा होता है तो उससे बहुत ज्यादा बेचैनी पैदा होती है, उसके साथ बिजनेसेस जो है उनको समझ नहीं आती है कि प्राइसेस क्या लगा रही है एंड सो ऑन। लेकिन अगर डॉलर जेंटली महंगा हो रहा हो तो आपके एक्सपोर्ट्स सस्ते और आपके इंपोर्ट्स महंगे होते हैं आलमी मंडी में। अक्सर ममालिक जो थोड़ा अपने आप को ज्यादा जिम्मेदारी से मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने ये किया कि आहिस्ता आहिस्ता वो भी डिप्रिशिएट किए, लेकिन उन्होंने अपनी डिप्रिसिएशन को मुनासिब रेट के ऊपर रखा। कंट्रोल्ड वे मेरे में हिसाब किया, से एग्जैक्ट प्लान वे में किया गया, किसी एग्जैक्ट मेरे हिसाब से अगर क्राइसिस हम के नतीजे में नहीं किया या जिद में नहीं किया। आपने बड़ी खूबसूरत बात किया कि जबरदस्ती कंट्रोल किया, मुझे ये मेरे लिए एक नई टर्म थी। आपने फरमाया कि मुशर्रफ साहब ने या डार साहब ने डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने जबरदस्ती कंट्रोल किया, ये इसकी बड़ी मायने खेज बात है कि आप जब जबरदस्ती कंट्रोल करेंगे या जब आप प्लान वे से कंट्रोल करेंगे या डिप्रिशिएट ऐसे करेंगे तो बड़ा फर्क होगा। बिल्कुल ऐसे। सो ये जबरदस्ती इस तरह था कि मुशर्रफ साहब को भी लोन्स ज्यादा मिले और डार साहब की पिछली टेन्योर के अंदर भी पाकिस्तान को लोन ज्यादा मिल रहे थे, वो उनके सीपेक से और मुशर्रफ साहब के अफगान वॉर की वॉर वजह से, की वॉर ऑन टेरर की वजह से। तो उनके पास ये गुंजाइश थी कि वो जो इनफ्लो आ रहा था उसको, अच्छा उसके अंदर एक टेक्निकल चीज ये है कि आप जो डॉलर इनफ्लो होता है उसको आप निकाल सकते हैं, स्टेरिलाइज कर सकते हैं जिसको कहते हैं, कि वो आप अपनी अवाम के साथ शेयर ना करें, वो आप कौमी खजाने में रखें। जब आप वो रखते हैं तो डॉलर की जब मार्केट में रिलेटिव शॉर्टेज होती है तो वो जो एक रेट से डॉलर का महंगा होना है वो एक स्टेडी तरीके से चलता रहता है, लेकिन कौमी खजाने खाली नहीं होते। तो खैर वो एक टेक्निकल बात है, हम उतना आगे नहीं, लेकिन मैं आपको अगर एक आम इंसान की समझ के लिए मैं एक चीज समझा सकूँ, वो ये है कि अगर आप वर्जिश शुरू करते हैं तो जब आप वर्जिश करते हैं तो आपको पसीना भी आएगा, आपका दिल का धड़कने का रेट तेज होगा, तेज हो जाएगा। तेज होगा, लेकिन उसमें आपका फायदा भी है, बाद में आपकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी। हम ये यहाँ कंफ्यूज करते हैं। एक तरीका ये है कि जब पेशेंट आईसीयू में, उसका दिल तेज धड़क रहा है, उसका तो आहिस्ता करना बनता है। अगर आप उसी को स्पोर्ट्समैन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं और उसका उसको दवाई दे देंगे भी तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ गया है, तो वो उसको उल्टा नुकसान पहुंचाएगा। तो इसी तरह जैसे कि हार्ट रेट का ऊपर या नीचे जाना जो है वो एक अच्छे लिहाज से भी आ सकता है और बीमारी की अलामत भी हो सकती है, इसी तरह यूएस डॉलर और रुपी के जो रेट है उसमें चेंज में एक पॉजिटिव तरीके से भी चल सकता है और एक बीमारी की स्टेज में भी चल सकता है।
हमने उसको इतना कंफ्यूज करके रखा हुआ है कि हम बजाय इसके कि अंडरलाइंग जो उसके बुनियादी मसाइल हैं उनको देखें, हम सिर्फ इस एक हार्ट रेट को देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि पेशेंट बेड में लेटा हुआ है या क्रिकेट ग्राउंड में खड़ा है। तो इसको ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपकी तवज्जो इस चीज पर लाना चाहूंगा कि हम हमारा ट्रेड डेफिसिट का परफॉर्मेंस क्या है। डॉलर महंगा क्यों होता है? क्योंकि आपके जब एक्सपोर्ट्स कम होते हैं इंपोर्ट्स से, तो आपको एक्सपोर्ट जब होता है तो आप डॉलर कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, इनफ्लो जब बढ़ा इंपोर्ट आपका। करते हैं तो आप डॉलर गवा रहे हैं। हमारी तारीख में सिर्फ 3 या 4 ऐसे साल हैं जिसके अंदर हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा थे, बाकी हर हमारी पूरी तारीख में हमने हर साल के अंदर बाकी कौमों से लिया है, उनको उतना दिया नहीं। दिया नहीं जब हम उनसे लेंगे, डॉलर में लेंगे, तो हमारे यहाँ हमेशा डॉलर की शॉर्टेज रहेगी। शॉर्टेज रहा, एग्जैक्टली। और ये अक्रॉस एवरी गवर्नमेंट है। आपको अक्सर लोगों की डिस्कशन मिलेगी, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसी थी, और तो फलाने पीपल्स पार्टी ऐसी थी, पीटीआई ऐसी थी, नून लीग ऐसी थी। ऐसे डेटा के मुताबिक मेरी समझ से बाहर है कि इसमें कोई ऐसा फर्क था, चाहे वो अयूब का जमाना हो या जिया का जमाना हो, खासतौर पर मुशर्रफ साहब के जमाने में। इन सब के टाइम में आपके सामने डेटा पड़ा हुआ है। मुझे तो कोई ऐसा डेमोक्रेसी या टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी के ऊपर भी ये सवाल आता है कि आपने अपने आप को क्यों नहीं मैनेज किया, आपने जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाई, और टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट पे भी। तो खैर, ये इसको हम यहाँ छोड़ते हैं, लेकिन ये तो हम यहाँ तक हमने बात कर ली डॉलर की। इससे इम्पैक्ट ये होता है कि आपका मुल्क ग्रो तो कर रहा है, यानी आज अगर आप सन 2000 के मुकाबले में आज हमारी शराय आमदन देखें, यानी जो एक फीकस हमारी आमदन है, जीडीपी पर कैपिटा, तो आज के पाकिस्तान में इनकम डबल है 2000 सन 2000 के मुकाबले में। हम पहले से अमीर हुए हैं। डॉक्टर अली साहब, यहाँ पर एक छोटा सा जिम्नी सवाल है, आपकी बात जी बिल्कुल दुरुस्त है, हम अमीर हुए हैं। ये इनकम जो हमारी बढ़ी है, ये रियल टर्म में है या नॉमिनल टर्म में है? इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो ये रियल टर्म है, ये इन्फ्लेशन के बाद है। ओके, इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम है ये, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। ओके। अच्छा, इसमें लेकिन इसके पीछे दो मसाइल ढके हुए हैं। एक तो ये कि हमने इस, चाहे हमारी इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपनी काबिलियत, एजुकेशन, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को उस तेजी से नहीं बढ़ाया, ठीक है। सो वो एक आप समझ लें कुछ किसी हद तक आर्टिफिशियल ग्रोथ है। दूसरा ये जिसके ऊपर डेटा मेरे पास है नहीं और मेरी अभी तक नजर से नहीं गुजरा, इंशाल्लाह आगे कभी अल्लाह करे के कर सकूं, कि इनइक्वालिटी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है एग्जैक्टली हमें नहीं पता। सो हो सकता है कि ये जो ग्रोथ हुई है ये अमीरों के घरों में हुई हो, गरीब के घर में ना हुई हो, ठीक है। लेकिन ब्रॉडली पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऐसा, जो हम जिस क्राइसिस इन, आप समझ लें 2000 से लेकर 2020 तक हार्डली कोई 3-4 साल थे जिसमें हम अपने आप को क्राइसिस में नहीं समझते थे, हम क्राइसिस में रहे हैं। तो एक क्राइसिस है हमारा डॉलर का, जो हमने बुरी मैनेजमेंट और एक्सपोर्ट, उसको हम कहते हैं एंटी एक्सपोर्ट बायस, उसके ऊपर बाद में आते हैं। हमने एंटी एक्सपोर्ट बायस को क्रिएट किया, उसकी वजह से हमने डॉलर पे हमेशा प्रेशर रखा है और उससे हम एक तंगी महसूस करते हैं। दूसरा, हमारी पॉलिसीज के अंदर कोई ठहराव नहीं है, वो एक अचानक इधर कभी चली जाती है, कभी उधर चली जाती है, जिससे पैनिक क्रिएट होता है। और तीसरा ये है कि हमने जो ग्रो किया, ये बाकी, ये जो ग्रीन लाइन है पाकिस्तान की है, बाकी जो यहाँ ममालिक नजर आ रहे हैं ये बाकी का साउथ एशिया है, और खास तौर पे मेरे ख्याल में अब ये बात काफी आम समझी जाती है और शऊर पैदा हो चुका है इस चीज का, कि इंडिया और बांग्लादेश ने, जो कि दो ममालिक ऐसे हैं कि जो एजुकेशन बैकग्राउंड से भी हमसे मिलते जुलते थे, इनकम में हमसे कम थे 90s तक, इवन चाइना हमसे कम था इनकम पर कैपिटा में अंटिल 80s, लेकिन ये मुल्क हमसे बहुत तेजी से बढ़े, बहुत तेजी से ग्रो कर गए। सवाल फिर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा उस तेजी से जिस तरह हमारे हमसाय ममालिक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, तो कत कलामी की माजरा चाहूंगा, आपने बहुत खूबसूरत बात की इनकंसिस्टेंसी की। हम यहाँ पर देखते हैं कि पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस है, लाइक के अगर कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो तो पिछली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे तख्तियों से अपना नाम तक मिटाने की बात करती है,
इसके अगेंस्ट अगर हम मलेशिया की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, तो वहां पर एक इकोनॉमिक काउंसिल है, मतलब कि मलेशिया में अगर आप देखें तो 20 ईयर्स तक की एक इकोनॉमिक काउंसिल बनेगी। आप पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स करते रहें, ठीक है, आप अपने झगड़े वहां पे साइड पे लड़ें, पार्लियामेंट में लड़ें, लेकिन इकोनॉमिक काउंसिल की जो एक कंसिस्टेंसी है, जो पॉलिसी मेकिंग है, उसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते। उस काउंसिल के अंदर उनके डिफरेंट टेक्नोक्रेट्स भी हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस की भी नुमाइंदगी है, गवर्नमेंट के लोग भी हैं और साथ में अपोजिशन के लोग भी हैं। आप समझते हैं कि लाइफ की इनकंसिस्टेंसी जो है पाकिस्तान में, और आपने एक चीज स्टार्ट में बात की वो बड़ी खूबसूरत बात थी, आपने फरमाया था कि एक सेट पैटर्न से हम जा रहे हैं, तो बस एक चीज में हमारी कंसिस्टेंसी है कि हमने एक पैटर्न सेट करनी है कि हमने डिक्लाइन जाना है। ठीक है, अच्छा आप बिल्कुल थोड़ा सही। सा अच्छा फरमाइए कि ये इनकंसिस्टेंसी को किस तरह लाइक टैकल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये देखें थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। मैं जो आपने आखिर में बात की पहले उसको दोहराऊंगा कि हमारे यहाँ असल में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, क्योंकि हर हुकूमत ने एक ही तरह पाकिस्तान को बर्बाद करने का फॉर्मूला अपनाया हुआ है। और ये मैं बिल्कुल मुबावजे से काम लेके बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको अभी दिखाया कि पाकिस्तान में एक एक्सपोर्ट एंटी एक्सपोर्ट बायस था, एक्सपोर्ट हमने अपनी गिरा के रखी, इंपोर्ट ज्यादा की हमने। अगर आप पाकिस्तान ने कर्जे कितने लिए वो देखें, उसका रेट वही है। आप हर हुकूमत, चाहे वो हम तारीख अगर आप पढ़ें तो बेनजीर भुट्टो को देख लें, जियाउल हक को देख लें, अयूब खान को देख लें, किसी हुक्मरान को देख लें, उनकी समझ या उनके मफादात मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी उनके जो अल्फाज हैं उसमें यही बात आती है कि डॉलर को किसी तरह रोक के रखो। तो एक जो बुनियादी समझ पैदा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अब नहीं, क्या क्या आपका जो सवाल है वो ये है कि क्या एक कंसेंसस, जो आजकल चार्टर ऑफ इकोनॉमी का भी जिसको नाम दिया जाता है, या एक टेक्नोक्रेटिक हिस्सा हो हुकूमत का कि जो इकोनॉमी को मैनेज करे। मैं इससे काफी हद तक इख्तलाफ इसलिए करता हूँ क्योंकि आपका जो काम है ना वो ये है, पाकिस्तान में अगर आप या किसी भी मुल्क में जब कोई इदारा बनता है तो वो इदारा किसी एक वैक्यूम में काम नहीं करता, और उसके अंदर हम ही से लोग बैठ के वो काम करेंगे। जब वो टेक्नोक्रेट बैठे काम कर रहा है और वो फैसला ही कर रहा है, मिसाल के तौर पे कि जी हमने टैक्स कम कर देना है, या मिसाल के तौर पे कि हमने रुपी को डिवैल्यू करना है या नहीं करना, उसको अकाउंटेबल हम किस तरह मैनेज कर, उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे मैनेज करेंगे, नंबर एक। नंबर दो ये कि डेमोक्रेसी के अंदर पार्टीज की एक दूसरे के साथ जो मुकाबला है वो इसी बात पर होता है कि आपने परफॉर्म किया, कैसा किया। अगर आप एक मेजर हुकूमत का हिस्सा जो है वो डेमोक्रेसी से हटा के टेक्नोक्रेटिक बना देंगे, तो मैं ये बात बिल्कुल मानने के लिए शायद तैयार हो जाता कि हम अपनी जमहूरियत में सो एक कॉल्ड आप कह लीजिए डिजिटल जो बैलेंस जो सो कॉल्ड जमहूरियत है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि जब बेहतर भी डिक्टेटर आए हैं तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए। लेकिन हुए हैं। लेकिन मैं अभी आगे हम चलते हैं और मैं आपको उसकी दिखाऊंगा एक वजह कि ऐसा हुआ कंसिस्टेंसी भी नहीं। हो सकती है, जिस तरह आपने फरमाया कि अगर एक जी डिक्टेटर 11 साल के लिए आ रहा है, या 10 साल के लिए, या 8 साल के लिए आ रहा है, तो 8 साल में तो वो कंसिस्टेंट है ना। ठीक है, उसकी एक वजह बस ये भी हो सकती है। आप ये देखें कि जब वो कंसिस्टेंसी आई है तो उससे फायदा हुआ है कि नहीं हुआ। बहुत बड़ा प्रश्न। अयूब खान के जमाने में उनकी जिम्मेदारी थी दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के, और अयूब खान के जाने के 3 साल बाद उन्होंने कहा कि हमारे बस की बात नहीं है पाकिस्तान के साथ रहना, हम अलग ही ठीक है। और उसकी एक तारीख है पूरी कि अयूब खान ने प्लानिंग कमीशन बनाया, जो कि यहाँ बड़ा एक नुमाया इदारा समझा जाता है। उस प्लानिंग कमीशन के अंदर इकोनॉमिस्ट ईस्ट पाकिस्तान के थे, और उसी प्लानिंग कमीशन के अंदर पॉलिसीज ये बन रही थी कि 70% जो इनकम है बेशक वो ईस्ट पाकिस्तान की हो, वो वेस्ट पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी। और अयूब के ही जमाने में ईस्ट पाकिस्तान में एजुकेशन डिक्लाइन की थी जबकि वेस्ट पाकिस्तान में बढ़ रही थी। बड़े तो मेरे नजदीक अयूब खान से बड़ा फेलियर शायद ही होगा कि जिसने पाकिस्तान को तकसीम करवाया, या काफी हद तक मैं उनको जिम्मेदार ठहराता हूँ। या तो 2-3 साल थे लेकिन अयूब खान को इसका जिम्मेदार बेस समझता पीछे हूँ। रखी और गई उसमें उनके शायद एक कहने और का भी, मकसद फिर जियाउल हक साहब आए
और उन्होंने पाकिस्तान को गन कल्चर से मुतारिफ करा, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है बेस। कि हमारे पुलिस जब टेररिस्ट के पीछे पड़ते थे तो जिया साहब का फोन आता था कि इनको छोड़ दिया जाए, जिसका एक कह लें हम जो एक इंस्टेबिलिटी का आंसर है हमारे मुल्क में जो पैदा हुआ। मैं जिया साहब को भी कोई कामयाब वो नहीं समझता, लेकिन आप ये तो मैं जब मैं सेक्टेरियनिज्म सियासी इसमें ऐड बात कर रहा करते हैं, हूँ, थोड़ा सा ओपन भी मैं बात वापस कर लेते हैं इकोनॉमी, इसमें, मैं इकोनॉमी पे आता हूँ, इसमें अपने मुल्तान सेक्टेरियनिज्म साहब। भी ऐड कर दे, उनके काफी ज्यादा तोहाइफ हमने दी है उन्होंने मनहूम ने बहुत ज्यादा तोहाइफ दी है उसमें, एक सेक्टेरियनिज्म भी है, टेररिज्म भी है, गन कल्चर भी है, ड्रग्स भी है, अफगान वॉर भी है, दूसरों को अपनी सॉइल देना भी है और डिविजन भी है, तो मैं उसके थोड़ा तो सा काफी ज्यादा वापस तोहाइफ ना मैं अपने मौजू पर आना चाहूंगा, है। जी जी मईशत पर। जिया साहब का जमाना था जब चाइना में रिफॉर्म शुरू हुए, यानी माओ की हुकूमत के बाद जब डेंग शाओपिंग आए और उन्होंने एकदम चाइना को कम्युनिस्ट से मार्केट बेस्ड सिस्टम की तरफ जी वो लेकर आए, तो 1978 से 1983 तक तकरीबन जो जिया साहब की हुकूमत थी उस दौरान चाइना में मैसिव चेंज आई। और अगर आप पाकिस्तानी उस वक्त के पॉलिसीज देखें तो बल्कि क्या जाते हैं कि जिया साहब वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन इकोनॉमी, उनकी प्रायोरिटी अफगान वॉर थी। और मैं इस बात पे नहीं डिबेट करता कि अफगान वॉर में उनकी पॉलिसीज ठीक थी नहीं थी, वो सिक्योरिटी का मामला है, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इकोनॉमी को लेकर, डॉलर तो आ रहे थे ना, सोने का इकोनॉमी को मानना, नहीं, आपका बट वही बीओपी बात तो है स्टेबल एग्जैक्टली था ना, आपको इसमें इंटरनेशनल प्रोजेक्ट तो मिला आपने था ना एक, नहीं, बट आपने अपने इकोनॉमी को उस नोट जगह किया लाके है। खड़ा किया हुआ था कि आपको आप कर्जे के मोहताज थे, उस वक्त कर्जा मिल रहा था, लेकिन आपने अपनी मोहताजी को कम करने पे कोई एक्शन नहीं ली। तो बिल्कुल जहाज साहब को भी अयूब साहब की तरह, मैं अयूब को फिर आप कह सकते हैं कुछ इदारे वेस्ट पाकिस्तान में बनाए, वहां का मसला था कि तकसीम कैसे, बंटवारा कैसे हो रहा है, और फिर आपने अपना अपने आधे से ज्यादा का पाकिस्तान गवा दिया, उस पर तो मैं उनको कंप्लेन कर सकता हूँ। जिया साहब को स्ट्रिक्टली अगर इकोनॉमिक्स में देखें तो उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में एक लफ्ज का भी एडिशन नहीं किया होगा। नहीं किया। मुशर्रफ साहब अगेन तब डॉलर्स आ रहे थे, उनका एक बहुत जो मेजर मसला था वो ये था कि उन्होंने डॉलर को, जो जैसे मैंने पहले बात की कि जो डॉलर्स आ रहे थे वो मार्केट में डाले, और हम सब उस जमाने में काफी खुश थे कि डॉलर हार्ड पर है और चीजें स्टेबल है, हाँ लेकिन उस वक्त भी मुझे याद है, तब शायद तब मैं तालिब इल्म था और इस चीज की समझ नहीं थी, लेकिन अखबारों में मुझे याद है ये लोग लिखा करते थे इकोनॉमिस्ट उस वक्त के, कि ये एक कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ है, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे और हम अपने आप को, यानी मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर के अंदर कोई हमने इंप्रूवमेंट नहीं लाए, प्रोडक्शन हम बढ़ रहे हैं तो हम सर्विसेज में, वो भी कंजम्पशन लेड फैक्टर्स से बढ़ रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि हम हमारे पास जो बेसिकली डॉलर का इनफ्लो हो रहा है हम उसको यूज कर रहे हैं। मेरा इत्तेफाक से एक दफा मुशर्रफ साहब के वक्त के एक जनरल के साथ एक महफिल में बैठा जो कि गवर्नर हुआ करते थे, मैं जिक्र नहीं करता कि किस सूबे के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन तो मैंने उनसे पूछा जनरल साहब आप लोग तो डिक्टेटर थे तो आपने टैक्सेशन क्यों नहीं ठीक की, तो कहने लगे कि हम टैक्स हमने बढ़ाए एक दफा लेकिन फिर ट्रेडर्स ने एहतजाज किया और हम इसको ठीक नहीं कर सके। तो मैंने कहा फिर आपकी डिक्टेटरशिप का फायदा क्या हुआ, कि बात ये है कि अगर आपके सामने जाहिर है टैक्स किसी भी लगेगा तो वो शोर में चला जाएगा, ये नेचुरल बात है, लेकिन चले हम इसको आगे लेके चलते हैं कि टैक्सेशन की तरफ हम आते हैं, और अगर आप टैक्सेशन देखें तो पाकिस्तान में हमारी मुख्तलिफ ममालिक से अगर आप अपने आप को कंपेयर करें तो हम अपनी आमदन का बहुत ही एक छोटा हिस्सा हकूमत को सौंपते हैं, हमारी टैक्सेशन रेट बहुत ही कम है, खासतौर पे इंडिया और चाइना से अगर आप कंपेयर करें तो वो तकरीबन 16 से 18% ऑफ GDP टैक्स करते हैं और हम कोई 9 से 10% हमारी इनकम टैक्स होती है, तो हमने अपनी टैक्सेशन ठीक नहीं की। और ये मजहर वसीम साहब हैं मैनचेस्टर में, प्रोफेसर हैं, बहुत माहिर हैं टैक्सेशन के, उन्होंने बड़ी खूबसूरत लेक्चर लंच में दिया था, उसमें उन्होंने ये स्लाइड रखी,
वही दिखाते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज का ये ब्लू लाइन है ऊपर टैक्स टू जीडीपी रेशियो और पाकिस्तान के नीचे। मैं जिस तरफ आपको मुतवजह करना चाहता हूँ ये कि पाकिस्तान में पिछले 20 साल में टैक्स टू जीडीपी यानी हमारी आमदन के मुकाबले में टैक्सेशन कितनी है, ये तकरीबन एक ही अमाउंट की रही है। लेकिन हर साल आप अखबार में पढ़ेंगे कि एफबीआर ने रिकॉर्ड टैक्सेस कलेक्ट की हैं और फिर केक भी कटता है हर साल। एफबीआर में केक कटता है मुबारकबाद का कि हमने रिकॉर्ड कायम किए। वो जो हमारी टैक्सेशन की इंक्रीज है उसकी क्वालिटी हो रही है क्योंकि हम टैक्सेशन पे बहुत ज्यादा आगे, कुछ मैं आपको इशारा करूंगा, लेकिन बहुत ऐसी चीजें बहुत गलत किस्म के हमने टैक्सेस बनाए हैं जो कि आपकी मईशत को सुकेड़ने का काम करेंगे, यानी आपको कॉन्ट्रैक्शन की तरफ लेकर आएंगे, जो कि सही तरीके से आपने टैक्स नहीं कलेक्ट किया, राइट? आप एक पेशेंट है, उससे ब्लड आपने लेना है। अगर आप देखेंगे कि वो एक हेल्दी पेशेंट है, मैं उसके बाजू से ब्लड ले रहा हूँ, वही चीज है, आप सीधा टीका उसके दिल में लगा के खींचेंगे तो वो बीमारी होगा उस खून को निकलने से। इसी तरह टैक्सेशन का भी एक तरीका है कि आपने किस जगह से, अगर मईशत एक जिस्म है तो उसके किस हिस्से से और किस हिसाब से टैक्स करना है। जब सर आप आपने गलत तरीके कमजोर से से ज्यादा टैक्स टैक्स करते लिया हैं, हमेशा। जब आप गलत तरीके से टैक्स करते हैं तो आप नुकसान पैदा करते हैं। लेकिन क्योंकि हम अपने आप को टाइम पर रिफॉर्म नहीं करते तो प्रेशर के अंदर जब करते हैं तो फिर एक वो जो भी चीज सामने आती है हम उसको कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो खैर ये भी अब आप देखें कि ये इसके अंदर पहले 8 साल जो है इस टाइमलाइन में वो मुशर्रफ साहब की के दौर का दौर है, और उसके अंदर आप देख रहे हैं, मैंने पहले आपको बताया कि एक्सपोर्ट्स कम हुए मुशर्रफ साहब के दौर में जीडीपी के मुकाबले में, और टैक्सेशन भी कम हुई, पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन कम हुई मुशर्रफ साहब के जमाने में। तो ये ऐसी कुछ चीजें नहीं, हम और हम ये बात नहीं करते कि उन्होंने डैम नहीं बनाया और जो चीजें इन्वेस्टमेंट्स नहीं की वो एक अलग बात, लेकिन पावर प्लांट्स नहीं लगाए, लेकिन एक्सपोर्ट्स के बाद टैक्सेशन एक दूसरी मेन प्रॉब्लम है जिसको मुशर्रफ साहब ने टैकल नहीं किया। सो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट से मैं तो कम से कम इस बात पे भी इख्तलाफ करता हूँ कि वहाँ काबिलियत ही नहीं है कि वो चीजें ठीक करें। उसके बाद ये आपको अगर आप लेफ्ट पे अपनी अटेंशन लेकर आए तो ये 2019 का ग्राफ है, लेकिन मोर और लेस अभी भी इससे बहुत पिक्चर चेंज नहीं हुई। तो अगर पाकिस्तान में अगर 100 रुपये हम कमाते हैं तो उसमें से कोई 23% हमारा ज़राअत से है, तकरीबन 20% इंडस्ट्री से है, और 57% जो है वो सर्विसेज, सर्विसेज के अंदर आपके बैंक्स आ जाते हैं, सेलुलर ये मोबाइल फोन कंपनीज आ जाती हैं, रिटेलर आ जाते हैं, और दीगर और इस तरह की इंडस्ट्री आ जाती हैं। तो ये हमारी कंट्रीब्यूशन है कि हम कौन कितना कमा रहे हैं। अगर आप एक मोटी सी बात ये है कि अगर आप अगर 20 रुपए कमा रहे हैं, मैं 60 रुपए कमा रहा हूँ, और आपका अगर टैक्स 2 रुपए और मेरा 6 रुपए है, तो ये एक मुनसिफाना तरीके से हमने टैक्स लिया। प्रोपोर्शनल अगर टैक्स। इसमें राइट, अब आप ये देखेंगे राइट साइड पर हमारा उसी साल का टैक्स कलेक्शन है, तो आपको नजर ये आता है कि हम एग्रीकल्चर से ना होने के बराबर टैक्स इकट्ठा करते हैं। और मैं एक ऐसी सरकारी एक मीटिंग में बैठा हूँ जिसके अंदर ये बात हो रही थी कि अगले साल हमने टैक्स कलेक्ट करना है कि नहीं करना ज़राअत से, तो वहां जो मिनिस्टर बैठे हुए थे वो सारे लैंडलॉर्ड थे, तो उन्होंने पहले पहले 10 मिनट तकरीर की कि जी ज़राअत को टैक्स करना बहुत जरूरी है, और आखिर में फैसला ये हुआ कि नहीं इस साल छोड़ दें, तंगी बहुत है और आइंदा कभी देखें। अब ज़राअत के अंदर मैं ये नहीं कहता कि जो आपके लेफ्ट साइड पे ग्राफ है वही कॉपी कर दें राइट साइड पर, क्योंकि जरात के अंदर पाकिस्तान के मेजोरिटी गुरबा जो हैं वो जरात या रूरल एरियाज में। तो आपने एक यानी एक अदल और इंसाफ का तकाजा ये है कि आप जरात को फर्ज करें कि अमीर जो काश्तकार है उसको आप टैक्स करें, अमीर जो ट्रेडर है उसको टैक्स करें, और 23% के बजाय फर्ज करें कि आप कहते हैं कि हमने हमारे हिसाब से 10% हम कलेक्ट करेंगे जितना हम अमीरों से वहां कलेक्ट कर सकें, तो इसमें तो अदल है। सर वो सारे लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर अली साहब, सारे बेनिफिशियरी जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं वो आप हिस्ट्री में देखें, ऐसे वो बिल्कुल सारे के सारे पॉलिटिशियंस हैं, उनको ऐसे इजी इनकम वहां से जनरेट हो रही है, ऐसे वो एग्जैक्टली अपनी सारा बिल्कुल सरमाया उठा के पार्लियामेंट में लगाएंगे, इलेक्शन कंपेन में लगाएंगे, वो यहाँ पर टैक्स क्यों अप्लाई करेंगे, वो तो बेनिफिशियरी है सारे, एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जैक्टली तो अच्छा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। बिल्कुल ऐसे
अच्छा, दूसरा ये कि आपकी जो इंडस्ट्री है, जो आपकी सरदकारी है, उसके अंदर टैक्सेशन बहुत ज्यादा है। अगर आप एग्रीकल्चर को माफ भी कर दें बिल बिल फर्ज, तो फिर भी आपको, अगर आपका इंडस्ट्री में एक हिस्सा है तो सर्विसेज में 3 हिस्से हैं आपकी बाकी की इनकम का, लेकिन आपकी इंडस्ट्री 70% टैक्स दे रही है और सर्विसेज 30% टैक्स दे रही है, तो इनके भी आपस में, और इसमें टैक्स फाइलिंग का और इनफॉर्मल इकोनॉमी का भी एक की भी एक मुदाखलत होगी जरूर। अच्छा, इसके अलावा जो दो चीजें यहाँ आपको नजर नहीं आ रही हो, मेरे पास ग्राफ में नहीं है, एक तो बहुत आजकल गुफ्तगू होती है प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर। प्रॉपर्टी जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर आप इम्पोर्ट तो इस्तेमाल करते हैं, यानी घर के नलके चाइना से आए हुए होते हैं, टाइलें चाइना से आई होती हैं, लाइटें चाइना की बनी होती हैं, ग्लास जो है वो इटली का किसी ने लगाया होता है, किसी ने स्पेन का लगाया होता है, जो भी है, लेकिन उससे कोई एक्सपोर्ट जनरेट नहीं होती, यानी आप चाइना को तो घर नहीं बेच सकते। तो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट एक मैं ये नहीं कहूंगा कि नेगेटिव सेक्टर है, लेकिन इतना अच्छा भी सेक्टर नहीं है कि आप उसको टैक्स माफ कर दें और उसमें ही आपकी आपका फोकस हो, लेकिन वहां और हमारे सियासी असर रखने वाले इदारे ऐसे हैं जिनका जिनके इंटरेस्ट आ जाएंगे, तो प्रॉपर्टी को भी हम टैक्स नहीं करते। और इससे क्या होता है, जो कि हमने देखा अक्सर के अक्सर आज की बात होती है, कि बजाय इसके कि हम सनतकारी करें या फैक्ट्रियां लगाएं, हम प्लाजाज और हाउसिंग सोसाइटीज के ऊपर तवज्जो देते हैं, और वो एक इनफरादी अमल के हिसाब से, यानी इंडिविजुअल की जो का जो फैसला है उस हिसाब से बिल्कुल एक आकलाना फैसला है, कि जब मुझे पता है कि इस चीज के अंदर टैक्स नहीं है, चाहे बेशक मैं इसके अंदर 80 रुपए कमा रहा हूं, इसके अंदर टैक्स माफ है, और उधर मैं 100 रुपए कमाऊंगा तो मेरे 40 रुपए टैक्स भी कट जाएंगे, तो घर तो 60 आएगा, तो मैं मुल्क की पैदावार क्यों बढ़ाऊं, मैं क्यों ना ऐसी पैदावार बढ़ाऊं जिसमें टैक्स टैक्स माफ हो के मेरे घर आएगा। तो पाकिस्तान में जो आपने पहले जिक्र किया शुरू में एंटी मैन्युफैक्चरिंग बायस का भी, उसमें भी एक मुदाखलत प्रॉपर्टी टैक्स, और ये जो आपके सामने मैंने रखा है सेक्टोरल टैक्स इशू, ये है। और आखिरी बात ये है टैक्सेशन के हवाले से, खैर इस हद तक है जब हम मुल्क के सतह पर देखते हैं, वो ये है कि हम अपनी टैक्सेशन इवन इंडस्ट्री के अंदर जो टैक्सेशन और सब्सिडीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम बड़ा सियासी मुदाखलत का उसको हम विक्टिम बनाते हैं, कि मिसाल के तौर पे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन एक एप्मा जो है वो आपकी एक तकड़ी एसोसिएशन है, जी इसी हाँ, तरह शुगर कार्टेल एक तकड़ा एंटिटी है, तो जो जो जहां जहां एज अ कलेक्टिव मजबूत है उसने अपने लिए एवरेज से बेहतर की या सब्सिडी रखवाई हुई है या टैक्सेशन माफ करवाई हुई है एंड सो ऑन। सो इवन विद इन दिस, बजाय इसके कि आपका बिजनेसमैन ये सोच रहा हो कि मैं पैदावार बेस्ट कैसे करूंगा, उसके बरक्स हम एक्चुअली जिस सिचुएशन में, वो ये है कि वो देख रहे होते हैं कि हम मुफादात किस तरह अपने बेहतर करवाएं, और इसके अंदर ये हर मुल्क में होता है, लॉबिंग हर मुल्क में होती है, लेकिन इसको मैनेज करना और अपने एक मुल्क दोस्त किस्म की, वतन दोस्त किस्म के पॉलिसीज की तरफ कम से कम कुछ तो अटेंशन होनी चाहिए, जो कि नहीं डॉक्टर है। साहब, डायग्नोज बड़ा खूबसूरती से आपने किया है सारे इस मिसाइल को, लेकिन अगर इसकी हल की तरफ चलते हैं तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है और आपकी जो राय है, जो मैं समझ सका हूँ उसमें ये है कि लाइक सिस्टम में अगर टेक्नोक्रेट्स हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, या पॉलिटिशियंस हों, या डिक्टेटर्स हों, तो डिलीवर कोई भी नहीं कर सका, ठीक है। और मैं वो बात जो स्टार्ट में आपने की है वो दोबारा दोहराना चाहूंगा कि सेट पैटर्न से हम डिक्लाइन की तरफ ही गए हैं। हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे, अपनी बेस पे, अपनी डेवलपमेंट पे कोई खास तवज्जो नहीं दी। तो डॉक्टर अली साहब, थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे कि हम इस गर्दाब में से, इस मुश्किल में से, इस क्रिटिकल सिचुएशन में से कब तक निकलेंगे, और कब तक, मतलब कि हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है,
ये नाजुक दौर कब तक अच्छा चलेगा सर? बिल्कुल, मैं इसके ऊपर आता हूँ। और इंशाल्लाह देखिए, नाउम्मीदी गुनाह है, मायूसी गुनाह है, तो हम कुछ ना कुछ उम्मीद की भी के पॉइंट पे ला के गुफ्तगू को छोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो तीन चीजें जल्दी से आपकी इजाजत के साथ बताना जी चाहूंगा, जो कि कंपैरिजन है दूसरे मुल्कों से। एक तो ये है कि पाकिस्तान में हमने जो सूबों और सेंटर के रिलेशन है उसको हमने तोड़ा हुआ है। जब से 18वीं तरमीम आई है, तो आपने बहुत तनकीद सुनी होगी कि 18वीं तरमीम के बाद सेंटर के पास वसायल खत्म हो जाते हैं। जब वो प्रोविंसेस का शेयर निकालते हैं डिफेंस स्पेंडिंग और डेट सर्विसिंग के बाद, फेडरल गवर्नमेंट हमारी टोटल कर्जे पे चल रही है। इसका कोई हल निकालना जरूरी है, और इसके हल में मेरे नजदीक, मैंने आपको पहले दिखाया कि हम टैक्सेशन अपनी सलाहियत से कम कर रहे हैं या दूसरे ममालिक से कम कर रहे हैं। इसके अंदर मैंने यहाँ ग्राफ रखा हुआ है, अगर कोई आपके जो नाजरीन है वो इसको खुद देख सकते हैं कि चाइना की, अगर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, पाकिस्तान में सिर्फ 16% जो अखराजात हैं सूबों के, वो खुद उन उन सूबों के अंदर कलेक्ट होते हैं, बाकी सारा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट उनको ट्रांसफर करती है। यही तकरीबन रेशो था चाइना में 1953 में। जब वो रिफॉर्म की तरफ आए, तो उन्होंने देखा कि उनके पास सेंटर के ऊपर कैपेसिटी नहीं थी, उन्होंने सूबों की जिम्मेदारी लगाई कि आप खुद कमाएं और खुद खाएं। तो हमें एक सूबों को इख्तियार भी देने होंगे, उनको इस सलाहियत के लिए उनको रिसोर्स भी देना होगा कि, लेकिन फिर उनको जिम्मेदारी देनी होगी कि आप अपना खुद कमाएं खुद खाएं, इस बेसिस पे चलें। और ना सिर्फ सूबों के लेवल पे, अगर आप पंजाब को देखें तो पंजाब जर्मनी या फ्रांस से बड़ा यूनिट है। जी हाँ डॉक्टर ये साहब, यहाँ पर एक बात जरूरी एक बात आपने, अर्ज कीजिएगा, कथा कलामी की माजरा चाहूंगा। आप क्या समझते हैं कि जो सूबे हैं हमारे, लाइक आपने अभी जिक्र किया पंजाब का, तो क्या आप समझते हैं कि जो प्रोविंस की डिवीजन है ये ठीक है? लाइक चार सूबे एनफ है या हमें इनको चार से बढ़ाकर 20 या 40 करने चाहिए? मैं, मेरी अपनी तो सोच ये है कि जो हमारा तकरीबन डिवीजन है ना, डिवीजन एक राइट साइज है प्रोविंस का, और उस लेवल पे हमें जाना चाहिए। लेकिन बहुत इसके ऊपर रेजिस्टेंस है, और जब आप एक, 35 डिवीजन इज आपके इक्वल टू 35 प्रोविंसेस। जी, और जो कि बिल्कुल मैनेजेबल है, अगर आप वही, मैंने आपको कंपैरिजन दिया फ्रांस और जर्मनी से, उनके सूबों का साइज देखें तो वो इतना है, और उनके पास है भी 20-20 40-40 सूबे हैं। हमारे यहाँ, मतलब हमारी पॉपुलेशन जो है वो अमेरिका की हाफ है। सीधा सा आपको कैलकुलेशन देता हूँ, अमेरिका की हाफ है। अमेरिका में सूबे कितने हैं या स्टेट्स कितने हैं? 53 स्टेट्स 50, हैं, 53 53 हो गए, स्टेट्स 53 हैं, और आइलैंड कैरम ला के जो यूनाइटेड मिला के स्टेट जगह 53। पर है वो 48 स्टेट्स है। जी आप, सिंपल फॉर्मूला ये है कि इसका हाफ तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। तो मुझे तो ये समझ आती है, लेकिन मैं इसमें, क्योंकि मैं एक सियासी वो नहीं हूँ, मेरी उठना बैठना नहीं है, तो लोगों के जो खदशात हैं मैं उसका एहतराम करता हूँ। उसमें कोई होगी कोई उसके अंदर सोच होगी और वो सब। लेकिन आपको, आप प्रोविंस को ना भी डिवाइड करें, लेकिन प्रोविंस को स्ट्रक्चर ऐसे करें कि प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर से ज्यादा अहम आपका डिवीजन और तहसील के अंदर अमला हो। उसके लिए जो चाइना का फॉर्मूला है वो ये है कि उन्होंने हर तहसील के लेवल पर जिम्मेदारी उधर ही है कि टैक्सेशन भी आपने करनी है, और आप, आपके करियर में आप बढ़ेंगे कि नहीं, एक एसी के लिए उसकी ग्रोथ जो है चाइना में, यानी जो उसका, उनका जो ऑफिशियल है उस लेवल पे, एसी के लेवल पर, वो तब ग्रो करेगा अगर वहां इंडस्ट्री लगती है, वहां से टैक्स अच्छा कलेक्ट होता है। और इससे क्या होता है कि एसी दूसरे एसी से मुकाबले में आ जाता है। और खूबसूरत मेरा एक सिंपल फॉर्मूला ये है कि मईशत के अंदर मुकाबले में ही काबिलियत है। इकोनॉमिक्स में कंपटीशन का जो एलिमेंट है वो सबसे अहम है। तो आप जब तक अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर मुकाबला, आपस में मुकाबला नहीं लड़ाएंगे, तब तक उसको वो काबिलियत से महरूम रहेगी, और हम एक काबिल हुकूमत और मैनेजमेंट से महरूम रहेंगे। तो एक तो मैंने चाइना पे आपको ये सजेशन एक देनी थी, और इसमें पूरा एविडेंस है। हम एक दूसरी चीज चाइना के बारे में ये है कि उन्होंने अपनी जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं उनके अंदर भी मुकाबले करवाए हुए हैं। तो चाइना में एक रेलवे इंजीनियरिंग ग्रुप नहीं है जो रेलवे की पटरियां रखता हो,
वो 25 26 है, उनको वो कहते हैं कि अगले प्रोजेक्ट पे आप लोग आपस में मुकाबला करेंगे, और उस मुकाबले की वजह से वो एफिशिएंट काम करते हैं। तो ये एक दूसरी चीज है, हम लोग चाइना मॉडल करते हैं तो चाइना मॉडल को पढ़ते नहीं है। लेकिन अच्छा, इंडिया के बारे में मैं आपको एक सिंपल सी चीज आपके सामने ये रखूंगा, ये है सुंदर पिचाई, जो कि गूगल का सीईओ है। ये बैठा हुआ है अपने डॉर्म रूम में आईआईटी में, ठीक है, और अगर आप देखें तो ये बड़ा मामूली सा इसका डॉर्म है, कोई ऐसा इसके अंदर कोई फ्लैट स्क्रीन टीवी नहीं लगे हुए और कोई बड़े बड़े सोफे नहीं है, बड़ा एक आज जाना था उसका वो रवैया भी है, वो बड़ी मामूली सी चीज। लेकिन 2019 में अमेरिका के में जो सेटल्ड इंडियंस हैं वो एवरेज साल में $1,20,000 कमा रहे थे, वेराज पाकिस्तानी जो है वो 75,000 कमा रहे थे। इसका मतलब है कि हम लोगों की काबिलियत, इवन टॉप के ऊपर जो हमारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं उनकी काबिलियत में भी हमारे कमी है जब वो मुल्क छोड़ के जाते हैं। और इसका अगर आप यूनिवर्सिटीज में देखें, इंडिया ने 1961 में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कहकर 5 यूनिवर्सिटीज बनाई, जिनके अंदर 9 गुना ज्यादा उन्होंने रिसोर्स दिए बाकी यूनिवर्सिटीज से, उनके अंदर लेकर आए रशिया यूके जर्मनी की इनपुट, और वहां पॉलिटिक्स बैन की और सरकारी मदाखलत भी वहां बैन की, लेकिन उनके ऊपर ये जरूर रखा कि हमें काबिल बन के दिखाओ। और मुशर्रफ साहब का एक दूसरा तोहफा जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन का बिगाड़ है, जिसको जिसके ऊपर बहुत माहिरीन लिख चुके हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैं नहीं आता। और पाकिस्तान के जबरदस्ती की अंदर पढ़ाई है, मतलब जिस तरह आपने शुरू में फरमाया था कि अच्छा जबरदस्ती से $100 को पकड़ के स्टेबल करके रखा है, खींच के, तो ये तो हमने नहीं होगा कि मैं जबरदस्ती आपको हमने ये वाली डिग्री दे के रहना, जो मर्जी हो आप डिजर्व एग्जैक्ट करते हैं। अच्छा ये है यूनिवर्सिटी लेवल पे। स्कूल लेवल पर पाकिस्तान का ग्राफ, मैं खुलासा आपको ये देता हूं कि एजुकेशन के अंदर हम दो चीजें चेक करते हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं, नहीं जा और रहा जो है स्कूल जाने वाला बच्चा है उसकी काबिलियत क्या है। जी हाँ, बच्चा हम सिर्फ हम छोड़ देते काबिलियत आपके सामने लिखा हुआ है जिसमें पढ़ना हो, लेकिन हम सिर्फ ये देखें कि हम जिस रेट के ऊपर एजुकेशन बढ़ा रहे हैं अपने मुल्क में, तो हम इंडिया और चाइना, इंडिया और बांग्लादेश से कंपेयर कैसे करते हैं। तो मेरे हिसाब में, मैंने इसको कैलकुलेशन एक छोटी सी की है, मेरे हिसाब से हमें अभी अगले 25 साल या 24 साल लगेंगे अपनी एजुकेशन को वहां लाने के लिए जहां इंडिया 2011 में पहुंच चुका था। यानी कि हम इंडिया से एजुकेशन में, स्कूल लेवल एजुकेशन में 35 साल पीछे हैं इस अगर वक्त। हमने अपनी पॉलिसीज को रिव्यू ना किया, अगर हम इसी पेस पे चलते रहे, तो हम उनसे 35 साल लैग में ही रहेंगे। अभी अभी लैग इतना है। अच्छा एक जो चीज हर उस मुल्क ने की है, चाइना बांग्लादेश इंडिया के ग्राफ से, हर वो मुल्क जिसने अपनी पैदावार बढ़ाई है उसने एक्सपोर्ट बढ़ाया है। बढ़ाया और ये नारासिम्हा राव जो कि इंडिया के 1991 के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनको क्रेडिट दिया जाता है इंडिया को तरक्की की सड़क पे लाके खड़ा करने का, उनका एक सेइंग है कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाऊं, यानी खुद मुख्तार बनाऊं। सेल्फ रिलायंस इज नॉट अ मियर स्लोगन, इट मीन्स अबिलिटी टू पे फॉर इम्पोर्ट्स थ्रू एक्सपोर्ट्स। इसलिए माय मोटो इज ट्रेड नॉट एड। फकर एड एक क्रच है, ट्रेड से फखर पैदा होता है, ट्रेड बिल्ड्स प्राइड। तो हमें अपने अपने वसाइल के अंदर रहना और अपने पैर पे खड़ा होना है। ये एक खुलासा है था, और ये मैंने अभी आप टाइम की उस मैनेजमेंट के लिए मैंने नहीं रखा, ये चाहे वो इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ मैं हो। आपसे यहाँ पे ऑन एयर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मुझे इस पे आपने अलग से वक्त देना है। जरूर आप एनी टाइम, ये तो जो सुनने के लिए तैयार हो, मैं तो हमेशा वेट कर रहा हूँ कौन सर हम आप सुनेगा। जैसे हमारा अफराद की जिम्मेदारी ज्यादा है, एटलीस्ट हमें एजुकेट करना पड़ेगा, हमें अपने स्टूडेंट्स को, हमारा प्रोफेसर को, अपने टीचर्स को, अपने फेलोज को, पॉलिसी मेकर्स को, जनरल पब्लिक को, हमें पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, टेक्नोक्रेट्स को, जुमला साहबे अख्तियार अहबाब को हमें एजुकेट करना पड़ेगा। सर प्लीज कंटिन्यू करें। ओके सर। अच्छा हमने बात जो आपका पहला सवाल था, और उस इसी जो आपने अभी बात की,
इसी की तरफ इसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि हमने अपने मुल्क में गुफ्तगू जो है उसको बिल्कुल अजीब तरह की हम गुफ्तगू में पड़े रहते हैं, जो इसको मैं समझता हूँ कि माजरत के साथ और बहुत तकलीफ होती है कह के कि हम जमाने जाहिलियत में रह रहे हैं, जिसमें यूरोपियंस जो हैं वो आज से 600-800 साल पहले थे। यानी आप देखें, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ मैंने एक साल गया, तो आपको पता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी किस तरह क्रिएट हुई थी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्रिएट ऐसे हुई थी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लोगों को कत्ल किया जा रहा था एजुकेशन के लिए, ये फलाना टॉपिक क्यों पढ़ रहे, वो टॉपिक क्यों पढ़ रहे, और वहां से रात की तारीकी में भागकर जो प्रोफेसर है कुछ एक ग्रो प्रोफेसर का वो गया, और कैम्ब्रिज एक लंदन की दूसरी तरफ का एक गांव था, वहां जाके सेटल हुए और वहां कैम्ब्रिज की बुनियाद रखी गई। तो वो लोग भी जमाने जाहिलियत से गुजरे रहे। हाँ जी अमेरिका बिल्कुल में भाई, एक उनका जो कह लें प्रेसिडेंट था, वो एक ड्यूल के अंदर भी मारा गया था, प्रेसिडेंट था या प्राइम वो था वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। था, वो भी उसका नाम अभी वाकई वो भूल रहे हैं, लेकिन वो, और वो मारा भी किसने था, उनके कैबिनेट मेंबर ने मारा था। तो वो भी बड़ी बड़ी जमाने जाहिलियत के शिकार हो चुके हैं। लेकिन आपने जो हमारा जो काम है, आपका और मेरा काम, कि हम आगाही पैदा करें, और लोगों का काम ये है कि लोग सोचें और एक आकिलाना अंदाज से सवाल उठाएं। मिसाल के तौर पे अभी इसहाक डार, जिनको मैं इंतहाई नाअहल लीडर समझता हूँ, लीडर तो नहीं, सॉरी, मैं ये मेरा डोमेन नहीं, इकोनॉमिस्ट में नाअहल, शदीद नाअहल इकोनॉमिस्ट समझता हूँ, आपकी उन्होंने पहले वाली ये बात भी ठीक है। उन्होंने नहीं, वो चले, वो मेरा मसला नहीं है, वो एक, मैं एक प्रोफेशनल बात करना चाहता हूँ। एज ए प्रोफेशनल मैं ये तो जज कर सकता हूँ कि उनकी इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग या उनकी इकोनॉमिक्स की डीलिंग कैसी है। उन्होंने आपको रखा हुआ है कि जी डॉलर जो है वो महंगा रखना जरूरी है। अवाम के ऊपर लाजिम ये है कि सवाल उठाएं कि जो दुनिया में एक्सपर्ट है, आप ये कह सकते हैं कि अली हसनैन जो है वो इसहाक डार से कोई बोस रखता है या कुछ और ऐसा इशू है, आप जाके पूछें किसी चाइनीज इकोनॉमिस्ट से, किसी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट से, कि असूल बता दें कि हमें अपने आप को मैनेज कैसे करना है। कैसे करना है तो वो जो असूल बताएंगे वो डार साहब से, अगर वो असूल डार साहब से मैच करें, तो फिर उस बंदे की भी सीवी निकाल के देखेंगे वो कितने पानी में। तो जब तक हम ये तहकीक खुद नहीं करेंगे और जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इन इन चीजों को खुद समझ लेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो अगर आप ये आपके कहने का आपके मतलब, साथ इफ आई एम अगर नॉट रॉन्ग, लेट मी ऐड समथिंग। आपके कहने का मतलब ये है कि एक जो जनरल पब्लिक परसेप्शन है उसका बिल्ड होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, और बल्कि मैं यहाँ एक आपको मुतारिफ कराना चाहूंगा, मेरे अजीज कुछ कॉलीग्स और मैंने मिलकर एक ग्रुप बनाया, इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप, जिसमें हम लोग एक बहुत हमारे काबिल दोस्त हैं जो आजकल चेयरमैन हैं, बाकी दीगर भी सारे काबिल हैं, लेकिन बिलखसूस मैक्रो इकोनॉमी के हवाले से पाकिस्तान के सबसे जो नुमाया लोग हैं उनमें उनका शुमार होता है अहमद जमाल की ज्यादा, यूके में बेस्ड है, और वो उनका इनिशिएटिव बाकी टीम के साथ ये है कि लोगों में आगाही पैदा करने के लिए प्रॉपर क्लासेस पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और अगर आप ट्विटर पे ईएजी या इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप को फॉलो करें तो आपको वहाँ इसकी डिटेल मिलेगी। अगर हम आपके नाजरीन इस चीज़ में मजीद दिलचस्पी रखते हो कि मैक्रो को किस तरह मैनेज करना है, तो मेरे नज़दीक चंद ही लोग हैं जो अहमद से ज्यादा इस चीज की काबिलियत रखते हैं। हमारे वहाँ दीगर जो कॉलीग्स हैं वो अपने अपने एरियाज के अंदर ट्रेड इकोनॉमिस्ट हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ रहकर इन प्रैक्टिस एजुकेशन के ऊपर काम किया है, स्किल्स ट्रेनिंग की है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। तो वो एक आप कह लें, और उसमें कोई ऐसा लंबा चौड़ा कोई चार्ज नहीं है, वो मेनली एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है ताकि हम अपने मुल्क में शऊर पैदा करें। तो आई जस्ट वांटेड टू टच अपॉन दैट। लेकिन मैं इस ग्राफ के ऊपर आना चाहूंगा कि अगर आप ये देखें कि हमारे यहाँ किन चीजों पे बात होती है, तो ये मीडिया क्लाउड एक वेबसाइट है, वहाँ आप किसी भी दुनिया के अखबार में
रिसर्च कर सकते हैं कि किन अल्फाज का इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में सर्कुलर डेट और ट्रेड डेफिसिट जो कि हमारे बुनियादी मसाइल हैं कुछ, उनके ऊपर किसी अखबार की कोई कॉलम निगार या कोई आर्टिकल लिखने वाला इसका जिक्र बहुत कम करता है, कम करता है। जिसके बरक्स IMF और डॉलर की हमें फिक्र पड़ी रहती है सारा वक्त। तो ये एक इस तरफ इशारा करता है बात को कि मैं हम आपको बहुत कंग्रेचुलेट सताई हैं। करना चाहूंगा कि माशाल्लाह आप एक खूबसूरत काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा दुआएं आपके लिए कि आपको इसमें कामयाबी मिले और आप एक एक लार्ज ऑडियंस को एक मैस पब्लिक अवेयरनेस में कामयाब हो सकें। सर फरमाइएगा, गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, हल की तरफ जाएंगे, सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। इसका सोल्यूशन क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन चेंज करनी पड़ेगी, अवेयरनेस करनी पड़ेगी, कितना टाइम लगेगा, पहला स्टेप क्या होगा? ये बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल। सिचुएशन है, आपकी एक्सपर्ट राय चाहिए सर। अच्छा देखिए, बुनियादी हमारा मसला ये है कि हमारी हुकूमत सही तरीके से काम नहीं कर रही, ठीक है। सिंपल सी बात, ये बच्चे बच्चे को बात समझ आती है। हमारे यहाँ एजुकेशन, मैंने आपको एजुकेशन में ग्राफ दिखाया, एजुकेशन खराब है हमारे यहाँ। आप एक्सचेंज रेट पॉलिसीज खराब है, हमारी टैक्सेशन पॉलिसीज खराब है। अगर आपने पाकिस्तान को ठीक करना है तो आपको इस मसले को डायरेक्ट डील करना है कि हुकूमत, हम किस तरह पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत का क्याम लाएंगे जिसके अंदर जो पॉलिसीज मुल्क दोस्त पॉलिसीज अपनाएंगे। अगर हम किसी, हमारे पास कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, क्योंकि जो पॉलिसीज जो आपने ठीक करनी है वो इकोनॉमिस्ट, मैं आपको किताबों में दिखा सकता हूँ, पिछले 50 साल से पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट फॉर्मूला लिख कर बैठे हुए हैं कि आपने क्या करना है। उसके ऊपर बहस मुबाहसा होता है बिल्कुल मामूली बातों पर, ना कि मेन चीजों के ऊपर। आपने अपनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को प्रॉफिट लॉस बेसिस पे चलाना है, आपने अपनी ब्यूरोक्रेसी को प्रोफेशनल बेसिस पे चलाना है। मैंने आपको एक प्रोविंसेस का मसला दिखाया। ये चीजें सारी जो जितनी मैंने आज बातें की हैं, टैक्सेशन को ठीक करना है, टैक्सेशन हमें बढ़ाना है उन ऐसे एलिमेंट्स पे, मेरे नजदीक जो हुकूमत आके सब्सिडी के ऊपर काम कर रही हो या रिलीफ का नाम लेके काम कर रही हो वो नाअहल हुकूमत है। रिलीफ का लफ्ज जो है उसे मुझे नफरत हो चुकी है, क्योंकि रिलीफ होती है अगले महीने अगले साल के नजरिए से, वेराज हमें जरूरत जो है वो अगले 5 साल और 10 साल के सोच बनाने की है। उसके बगैर अगर आप, जिस तरह पिछले साल इमरान खान ने रिलीफ दी, आपको उसका कोई अभी फायदा हो रहा है? वो रिलीफ हुई, जब पैसे खत्म हो गए तो वापस जो है वो टेम्परेरी रिलीफ है। पेट्रोल भी बढ़ गया, आपको अगर कुछ उससे मिला तो वो आप खा पी के हजम कर चुके हैं। आपने रिलीफ वो जो बड़ी है खूबसूरत उससे मिसालें दी नुकसान। थी मेडिकल से रिलेटेड, मतलब कि एक आपकी बड़ी खूबसूरत मिसाल थी कि अगर आप कार्डियो कर रहे हैं या अगर आप जिम कर रहे हैं या अगर आप एथलीट है तो आपकी धड़कन तेज है तो उस वक्त उसका मीनिंग कुछ और है, लेकिन अगर आप ICU में है तो उसका मीनिंग कुछ और है। ठीक है, अब अगर हम इसको हम रिलीफ, इस तरह रिलेट करें कि लाइक अगर आप जख्मी है, ठीक है, तो वक्ती तौर पे थोड़ी सी मरहम रखी जा रही है, लेकिन आपको एक मेजर सर्जरी की जरूरत है, सर्जरी की तरफ नहीं जाया जा रहा। अच्छा मसला ये है कि, अच्छा एक और चीज है, हमारे यहाँ रिलीफ जो दी जाती है ना वो इसलिए नहीं दी जाती कि लोगों में एकदम खिदमत खल्क का जज्बा पैदा हो गया हमारे हुक्मरानों में, क्योंकि आगे पीछे तो होता नहीं है, तो रिलीफ को वो सियासी सियासी रिलीफ है, अगले इलेक्शन जीतने के टैक्टिक्स है। पाकिस्तान में। आपको ये पता है कि पाकिस्तान में, मुझे सही याद नहीं आ रहा, 20 या 25%, इन दोनों में से एक रेट है, 20 या 25% पाकिस्तानी जो है उनके पास बिजली की कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप बिजली की सब्सिडी देते हैं, तो जिसके पास कनेक्शन है वो थोड़ा तो कम अज कम मैनेज कर रहा है। बजाय इसके कि वहां सब्सिडी दें, आप अगर सब्सिडी दे रहे हो उस बंदे को जिसके पास कनेक्शन ही नहीं है, जो इतना गरीब है कि उसके पास बिजली की कनेक्शन नहीं है, तो ज्यादा अहलियत तो उसकी है, लेकिन आप बिजली की सब्सिडी क्यों देते हैं? क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए एक अच्छा आपके पास पॉइंट आ जाता है। फ्यूल सब्सिडी इमरान खान ने जो लास्ट ईयर लगाई, तो मुफ्ता इस्माइल ने इसके ऊपर काफी शोर मचाया कि मेरी लैंड क्रूजर के अंदर फ्यूल सब्सिडी, मेरे, मैं अहल नहीं हूँ उस सब्सिडी का, और आप और मैं जो उनसे छोटी गाड़ी में चलते होंगे या मोटरबाइक पे चलते होंगे वो भी अहल नहीं।
जिसके पास मोटर बाइक है उसके जी पास हाँ मोटर बाइक है तो सही, जी हाँ, साइकिल और हमारे बेशतर आवाम के पास तो साइकिल भी नहीं है। भी नहीं है जी। इसी तरह फिर आपके यूटिलिटी स्टोर आ जाते हैं, इसी तरह आपके डीसी काउंटर आ जाते हैं ग्रोसरी स्टोर में। हमने हमारी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो एक तो ये है कि हम अपना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, या आप उसको एहसास का नाम दें, जो और आप उसको नाम देना है, आपको अपने सेफ्टी नेट को बढ़ाना है। क्योंकि जब आप इकदाम लेंगे उसका वक्ती तौर पे नुकसान पैदा होगा, नंबर एक। नंबर दो, मेरे नजदीक आपकी बात शुरू और खत्म दो चीजों से होती है। एक है आपका टैक्स का निजाम, जो जब तक एक लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर साहिब इख्तियार से टैक्स आप नहीं लेंगे, तब तक आप टैक्सेशन ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि गरीब के पास गुंजाइश नहीं है। और जो मिडिल क्लास है उसको आप ऑलरेडी इतना टैक्स कर चुके हैं कि बहुत ज्यादा उसको मजीद टैक्स करने की गुंजाइश नहीं है। टैक्सेशन डॉक्टर अली साहब, अगर आप इजाजत आपने हो तो इसलिए चाहिए। टेम्परेरी रिलीफ में एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। एक जी प्लीज केस स्टडी किया मैंने रिसेंटली, उसमें ये था कि क्या रीजन थी कि श्रीलंका इकोनॉमिक और फाइनेंशियली डिफॉल्ट कर गया, तो और उसमें फूड क्राइसिस जो थे वो बहुत मेजर थे। इन जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी जो कोविड के बाद बनी है, इसके पास मैंडेट ज्यादा नहीं था, इसको मुस्लिम वोटर्स ने और तमिल वोटर्स ने वोट नहीं दिया था, एक वीक गवर्नमेंट थी। और उसके बाद 2019 में जो श्रीलंकन चर्च पे अटैक हुए उसके भी क्राइसिस थे, टूरिज्म भी डिक्लाइन थी। इन्होंने एक पॉलिटिकल टैक्टिक जो है वो अडॉप्ट किया टेम्परेरी रिलीफ से रिलेटेड। इन्होंने बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स के ऊपर टैक्स लगा दिया। इन्होंने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम कैपिटल फ्लाइट बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसकी वजह से सारे का सारा एग्रीकल्चर निजाम तबाह हो गया, और विद इन मंथ्स हुआ और जी वो फूड स्कार्सिटी में चले गए। इस तरह के जो टैक्टिक्स हैं जो सडन किए जाएं, प्लान ना किए जाएं, और सिचुएशनल जो टैक्टिक्स हैं, इससे इकोनॉमी को कितना नुकसान पहुंचेगा। और आपकी गुफ्तगू से मुझे जो समझ आ रही है वो आप यही फरमाना चाह रहे हैं लाइक कि जितने भी ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं इनको बंद करके हमें एक स्ट्रॉन्ग साउंड लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। उसमें और भी एक दो चीजें थी। श्रीलंका में टूरिज्म सेक्टर बहुत बड़ा हुआ करता था और कोविड से वो बहुत हिट हुआ, और आप जो फर्टिलाइजर का फरमा रहे हैं वो भी बिल्कुल उसकी वजह थी। पॉलिसीज का एक पॉलिसीज को सही ना मैनेज करने से क्या होता है। पाकिस्तान में सीपेक आया 2012-13 में, और आपको टीवी के ऊपर रोज पट्टी चलती थी जी गेम चेंजर हो गए जी, चाइना वाले आ गए। ठीक है, अच्छा, हमारे मुल्क के चीफ इकोनॉमिस्ट, प्लानिंग कमीशन के चीफ इकोनॉमिस्ट ने 2017 में ये दावा किया कि 2020 तक पूरी दुनिया का 4% ट्रेड सीपेक के थ्रू गुजरेगा। चाइना का टोटल जो ट्रेड बनता है वो दुनिया का वो 12% बनता है। इसका मतलब है उनका हिसाब ये था कि चाइना का एक तिहाई ट्रेड सीपेक के सीपैक थ्रू होगा। गुजरेगा। अच्छा, अगर आप सिर्फ एक काम ही करें, एक चाइना के ऊपर कभी गूगल पे या किसी चीज पे आप निकालें हु लाइन जो है वो एक HU हु लाइन जो है वो ये है कि आप चाइना का नक्शा देखें और ये एक लाइन है ऊपर से नीचे तक, जिसके अंदर वो कहते हैं कि शायद 94% जो चाइना की पॉपुलेशन है वो उसके परली तरफ रहती है और सिर्फ 6% हमारे करीब वाली साइड पे रहती है। जी हाँ तो जो जो शंघाई के करीब रहता है ट्रेडर या बिजनेस, वो कंटेनर पहले कराची पर घूमवाएगा, फिर यहां से 3,000 जो किलोमीटर है वो सड़क, वो भी कहाँ से, वो भी आम सड़क से नहीं गुजरना, उसमें गुजरना भी है तो काराकोरम के थ्रू गुजरना है जहाँ रोड ब्लॉक्स वगैरह होते रहते हैं, ये लैंडस्लाइड होती रहती है। तो ये अकल से महरूम बातें थी। और उसमें कल ही, बल्कि कल ये परसों आतिफ मियां जो एक
पाकिस्तान के काबिलियत इकोनॉमिक्स की काबिलियत में सबसे बड़े इकोनॉमिक्स में शुमार होते हैं। उनका एक गुफ्तगू मैं सुन रहा था ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट यूएस में, उनको और मिफ्ता इस्माइल को उन्होंने दावत दी थी। तो आतिफ कह रहे थे कि उन्होंने किसी से पूछा, ये बात मैं पहले से स्टडी कर रहा था, बट आतिफ की बात सुन के मजीद उस पे वो हुआ कि उन्होंने कहते मैंने पूछा वहाँ उस जमाने के असर रसूख रखने वालों से कि मुझे सीपेक के प्लान्स दिखाएं, और कहते हैं कि कोई प्लान मिला नहीं। सर ये इसी रिवील तरह नहीं किया गया, देखिए सीपैक का कोई भी चीज रिवील नहीं की गई जी, किसी भी जगह पे, किसी रिवील तो इंस्टीट्यूशन ने छोड़िए, पब्लिश नहीं नहीं किया डेटा इसका। एक तो ये बात है कि पब्लिक, अगर आप अपने आप को कहते हैं कि हम डेमोक्रेट हैं, तो फिर आपका छुपाना जो है वो समझ नहीं आता। लेकिन कुछ अच्छा चीजें, जो चीजें आई हैं इन, ये ऑन रिकॉर्ड है, चीफ इकोनॉमिस्ट ने रॉयटर्स के साथ पब्लिकली इंटरव्यू में ये कहा कि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 4% वर्ल्ड ट्रेड सीपेक के या तो थ्रू हो गुजरेगा, और हम इस बेसिस पर ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो सीपेक से जो कर्जे कर्जों की अदायगी है वो उस ट्रांजिट फी की वजह से होगी। तो ये हुकूमत का एक जिम्मेदार उहदेदार जो जो आजकल भी बाय द वे पाकिस्तान के चीफ इकोनॉमिस्ट है, उसने ये दावा किया, तो इसका मतलब है उसकी जिम्मेदारी है कि उसने कुछ स्टडी की होगी। मुझे उस स्टडी की समझ ही नहीं है कि जहां सीपेक में हम कहते हैं कि जी चाइना से हम कनेक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई पूरा चाइना दूसरी तरफ है, तो वो तो एक स्ट्रेटेजिक सड़क है उसको आप, हाँ सीपेक में चाइना की हमारे साथ एक एसोसिएशन मजबूत होना, उसके साथ कॉपरेशन करना, इंडस्ट्री लगाना, वो एक प्लान के साथ चले वो एक अलग बात है, लेकिन बगैर प्लान के आपने कर्जे ले लिए जिसकी अदायगी आपने डॉलर या युआन में करना है और आपके पास इनकम जनरेट नहीं होगी। मैं आपको एक दूसरी जी मिसाल देता हूँ, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दौरे चीन पे गए आई थिंक अक्टूबर में, और वहां जाके उन्होंने जो सबसे ज्यादा एक जिस चीज के लिए हाथ फैलाए वो थे ML1, ML1 है जो कराची से पिशावर की हमारा ट्रेन लाइन है, उसको अपग्रेड का इनका बहुत पुराना ख्वाब है। उन्होंने कहा कि हमें $10 बिलियन का कर्जा दे दें, ये उस जमाने में जब पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी हमें $10 बिलियन का कर्जा दे दिया जाए ताकि हम ML1 को अपग्रेड करें ताकि सीपेक मजबूत हो। अच्छा ठीक है, तो आप फिर ये पहली बात इसके अंदर मैंने प्लान्स निकाल लिए ढूंढ के कि ML1 में जो फिजिबिलिटी हुई है वो क्या कहती है। वो ट्रेन चलती है पिशावर तक, पिशावर के आगे उसी KKH के ऊपर आपने जाना है चाइना तक, इस वक्त KKH के ऊपर कंटेनर इतने चल नहीं रहे, वहां से इतने कंटेनर आ नहीं रहे कि पिशावर के ऊपर लोड पड़े, आपकी मोटरवे जो है वो काफी हद तक खाली पड़ी है। तो आप अभी ये कह रहे हैं कि हम जो बॉटलनेक आपका है ही नहीं, पिशावर से कराची वाला रूट जो है उसमें मजीद कैपेसिटी बनाएंगे, तो अच्छा उस फीजिबिलिटी में हुकूमत की अपनी फिजिबिलिटी में जो शायद चाइना वालों ने की या पाकिस्तान में, मुझे आई थिंक चाइना से उन्होंने करवाई, उसमें फिजिबिलिटी में लिखा है कि जब ML1 अपग्रेड हो जाएगी, $10 बिलियन खर्च दिए जाएंगे, तो शुरू के सालों में जो कराची से ऊपर जा रही होगी रेलगाड़ी, उसके अंदर जो हमारी गुड्स ट्रेन है जिसके अंदर हम अपना सामान लाते हैं वो तो भरी हुई जाएगी ऊपर क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब वो वापस कराची जाएगी तो वो 90% खाली गाड़ियां जाएगी। एक्सपोर्ट्स और डेफिसिट ठीक है, और उसी उसी फॉर्म फिजिबिलिटी के अंदर लिखा है कि 25 साल बाद जब हम तरक्की कर जाएंगे तब भी 75% गाड़ियां खाली ही वापस जा रही होंगी, क्योंकि हमारी, और ये बड़ी एक मार्क करेक्ट उनकी सोच थी, हमारे पास ये आप समझ लें, उसने तो प्रोजेक्शन सही की, उसने कहा कि अगर पाकिस्तान इस फॉर्मूले में चलता रहता है तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। अब मुझे ये बताएं कि $10 बिलियन का आप कर्जा लेके एक चीज बनाते हैं जिसका फायदा जरूर है कि हम अच्छी ट्रेनों में सफर करेंगे, थोड़ी ऐशी करेंगे, लोग सर, आवाम जो है वो या मिडिल प्रोजेक्ट क्लास जो है बेस्ड उसको, डॉक्टर साहब, वो लेकिन डॉक्टर अली साहब, वो वो प्रोजेक्ट बेस्ड आपको एक एड टाइप चीज मिलेगी, उससे आपकी मैन्युफैक्चरिंग बहाल नहीं होगी, उससे फौरी तौर पे आपका BOP भी स्टेबल नहीं होगा, जो एग्जैक्टली करंट जो वो तो आपकी प्रोजेक्ट में यूज हो जाएगी। बट क्वेश्चन सो इज दैट कि अभी हम इस सिचुएशन से किस तरह निकल सकते हैं। मुझे काइंडली आप सर गुफ्तगू मैं के आपको इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, आप मुझे इसका कोई शॉर्ट टर्म
और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बताएगी पूरी तौर पर हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा इनफ्लो बढ़ जाए, ठीक है, और हम इस चीज से निकल जाए, और लॉन्ग टर्म में हम कौन सी ऐसी पॉलिसीज को अडॉप्ट कर सकते हैं कि फर्दर ये सिचुएशन क्रिएट ना हो। ओके, इसको समझने के लिए आप इंडिया को 1991 में देखें। इंडिया 1991 में हमसे बेहतर हाल में था, लेकिन काफी हमसे मिलते जुलते हालात थे। डिफॉल्ट के हम करीब बेहतर थे, थे, उन्होंने काफी अपना सोना बेहतर गिरवी थे। रखवाया, वो सब ठीक है। इंडिया ने ये नहीं किया कि अच्छा हम अपनी इम्पोर्ट बंद कर दें। मैं आपको उसका पैसेज पढ़ के सुनाया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी जो रिफॉर्म्स करने हैं वो करने ही करने हैं। उन्होंने अच्छा, उनकी गवर्नमेंट जो है वो बहुत कमजोर एक कोलिशन गवर्नमेंट थी। वो ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी के एक्सक्यूज के पीछे नहीं छुपे। उन्होंने कहा हमने करना है ये 10 चीजें हैं। उन्होंने अपने इंडियन रुपी को डिवैल्यू भी किया, उन्होंने टैक्सेशन जो सब्सिडियां थी वो हटाई, उन्होंने अखराजात कम किए, और क्लोज्ड उस इकोनॉमी पे कट गए सारे थे वो, उन्होंने अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूस्ट किया, उन्होंने इम्पोर्ट्स बंद की हैं, काफी अरसा उस क्लोज्ड इकोनॉमी रहे हैं वो। नहीं जब वो क्लो नहीं बट उस क्लोज इकोनॉमी में रहने से वो कमजोर हुए, और जब तक उन्होंने वो इकोनॉमी खोली नहीं तब तक वो कमजोरी रही। मेरा पॉइंट ये है कि उन्होंने ये नहीं देखा कि सियासी मुफाद क्या है। उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप को दावे पे लगाकर जो 3-4 मोटी मोटी चीजें करने वाली थी उस वक्त पे, जिसके अंदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को सिवियर तरीके से कट डाउन करना, नंबर 2 इंडियन रुपी को डिवैल्यू करना, नंबर 3 जो टैक्सेस लगते थे एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्टर्स को कुछ एक्सपोर्टर्स को ज्यादा सब्सिडीज मिल रही थी, कुछ को कम मिल रही थी, उसको साफ किया, खत्म किया, इंपोर्ट पे ड्यूटीज कम की। ये चीजें करने को ये आप मुझे बार बार आपने सवाल किया कि हमें शॉर्ट टर्म में क्या करना है। शॉर्ट टर्म में ये चीजें हो सकती हैं। रुकावट हमारे मुल्क में ये है कि हमारे हुक्मरान माजरत के साथ उतने हमें वतन दोस्त नहीं साबित अपने आप को कर सके जितना कि इंडिया में नरसिम्हा राव ने किया। मैं ये पेट्रियोटिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपकी विलिंगनेस कि आप अपनी पॉलिटिक्स को साइड पे रखकर मुल्क की खिदमत करें। इनको और ये कर सकते हैं। ये आज शहबाज शरीफ उठे, चाहे कल को इमरान खान आए, चाहे कोई आए, अगर ये मुशर्रफ की हुकूमत में, और मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा कि मैं नैब को सही तरह से अकाउंटेबिलिटी के लेवल पे नहीं ला सका नहीं ला क्योंकि मेरा सके। सियासी मुफाद नहीं रहा। अगर आपका हुक्मरान, चाहे वो वर्दी पहने ना पहने, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, जो हुक्मरान हो, अगर वो, क्योंकि देखिए आप जब एक रिफॉर्म लेकर आते हैं तो लोगों को पिंच होती है, जी हाँ, लोगों के बिजनेस ठप होंगे, लोगों को एक एक वो यू अनसर्टेनिटी आर बनेगी। मूविंग आपको अगेंस्ट इनर्शिया, आपको जमूत तोड़ना पड़ेगा। आपको थोड़ी दलेरी दिखानी है, और ये कोई भी दिखा सकता है। इसके अंदर कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जी 2/3 मेजोरिटी आएगी तभी होगा। भाई आप शुरू करो, और जब लोग देखेंगे ना कि एक गुड फेथ के अंदर एक बंदा काम कर रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता, जरूरी नहीं है कि पहले दिन में, और कौमें जो है वो अंडर डेवलप रहती ही इसलिए है क्योंकि टांगे खींचने वाले बहुत होते हैं हर जगह। लेकिन मैं आपको डॉक्टर साहब, एक और आपने मुझे चीज, फरमाया था कि लास्ट में मैंने आपको डैरन एसी मैग्लू की रिमाइंडर देना है, तो मैं कहूंगा इंस्टीट्यूशन साहब के बारे में उससे, सर बताइएगा हाँ काइंडली। अच्छा, इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन का मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन मैं एक और चीज आखिर में कहना चाहूंगा। मैं आप टाइम आपका नहीं इतना लेना चाहता। इंस्टीट्यूशन की सिंपल बात यह है, और जो डायरेक्ट स्मॉलू का इंस्टीट्यूशन की सिंपल बात यह है कि दो किस्म की इंस्टीट्यूशन होती है। एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होती है जो आपके इदारे हैं, उन बिल्कुल इदारों के अंदर आपको रूल बेस्ड चलने की जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि जी कोई इदारा है, मैं नाम नहीं लेता किसी इदारे का, कि जी मेस के रूल वो फॉलो करेंगे 100%, और बूट पॉलिशर के नहीं है वो 100% होने चाहिए, यूनिफॉर्म सबके ठीक होने चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को हम साइड पे रख देंगे। ये कोई मेरी समझ से बाहर है, ठीक है। क्योंकि आप जब एक रूल ब्रेक कर देते हैं तो आप अपने इदारे को कमजोर कर रहे हैं। हमें इदारों को मजबूत करना है, अपने कौमी इदारों को, चाहे वो कोई इदारा हो, पुलिस का इदारा हमारा, वो मजबूत होना चाहिए, हमारे एजुकेशन इदारे और दीगर जितने इदारे हैं सारे दारा सबको ठीक, सबको रिफॉर्म की जरूरत है। दूसरा मैं होता कहता है हूँ इनकी इनफॉर्मल मदद करें। इंस्टीट्यूशन, दूसरा इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन होता है। और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन में जिस तरफ मैं बात को खत्म करना चाहता हूँ, मैं उस तरफ आता हूँ। देखिए, हम रह रहे हैं जमाने जाहिलियत में,
और जमाने जाहिलियत में आप ये तस्वीर करें कि कल को एक बंदा दूर से आएगा, मैं कुछ नहीं, मैं घर के सोफे पर बैठा होगा, और बाहर से एक हुक्मरान आएगा जो कि ताज पहनेगा और एकदम बहुत मुनसिफाना तरीके से और एक अदालत के साथ एक बड़े पॉजिटिव तरीके से गवर्नमेंट चलाएगा। तो ऐसे कभी होता नहीं है, हमें अपनी आवाम के अंदर शऊर पैदा करना है। और मैं इस बात को एक्सेप्ट कर चुका हूं कि बहुत ज्यादा चांस है कि मेरी कब्र तक पाकिस्तान में तरक्की नहीं आए, हो सकता है। सर आपने खुद मेरा ही काम फरमाया तो है, गुफ्तगू के मेरा दरमियान में क्या काम मायूसी गुनाह है। नहीं, मायूसी, मैं मायूस नहीं हूं। देखें फर्क क्या है, एक होता है अनरियलिस्टिक सोच पैदा कर लेना कि जी अगले ठीक साल पाकिस्तान अमेरिका बन जाए, ऐसा नहीं होने जी वाला। हाँ लेकिन जी हाँ इट विल टेक सम टाइम। हकीकत पसंदी के अंदर और मायूसी में फर्क है। फर्क क्या है हकीकत पसंदी मेरी ये है कि मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि शायद हम अंडर डेवलप्ड हो और मेरी कब्र का वक्त आ जाए। लेकिन मैं इस चीज को, मेरा इसके अंदर क्या काम है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी क्या है कि जब मैं कब्र तक पहुंचूं तो पाकिस्तान में शऊर बढ़ चुका हो बनिस्बत आज के, अगर अल्लाह ताला मुझे इतना मौका दे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम आगाही अपने अपने हमसाये के घर पे खटखटा के ये बातें करें जो आज हमने की, या हम जाके तकरीरें करें और हर जबान में करें, हम पंजाबी में करें, सिंधी में करें, बलोची में करें, पश्तो में करें, ताकि ये जब तक थड़े थड़े पर लोगों के अंदर बात नहीं जाएगी कि भाई टैक्सेशन गलत क्यों है और हम इसको सब्सिडी क्यों मिल रही है और हमारे मुल्क की रुपी की वैल्यू 96% पिछले 40 साल में क्यों गिरी है और हमारे इदारे जो है वो एजुकेशन क्यों नहीं, हम 35 साल कैसे पीछे हैं। जब तक एक सियासतदान को ये तकलीफ नहीं होगी कि शायद मैं इलेक्शन हार जाऊं अगर मैंने कोई कम अज कम दिखावे के लिए काम ना किया, तब तक हम बेहतरी की तरफ नहीं आएंगे। नहीं आपके तवसल से मैं आपके नाज़रीन को और आपके आपकी यूनिवर्सिटी को, बल्कि खास तौर पे क्योंकि आप लोगों का एक दीन से ताल्लुक है, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि हमारी इकोनॉमी का एक शायद एक सबसे बड़ा जो एक कंस्ट्रेंट है वो है, मेरी आखिरी स्लाइड है वो श्योर है, औरतों का इकोनॉमी के अंदर लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। अगर आप मुसलमान ममालिक देखें तो औरतें काम करती हैं, हर जगह काम करती हैं, और जो मेरी एक नाकिस समझ है मजहब की, उसके अंदर बापरदा तरीके से एक इस्लाम के कंसिस्टेंट तरीके से औरतों को हक है कि वो काम करें। हमें ये सोच पैदा करने की जरूरत है कि इस्लाम के दायरे और तकाजात के अंदर रहते हुए औरतों का काम करने में कोई ऐब नहीं है, बल्कि इनफैक्ट औरतों को एजुकेट करना हमारे मजहब का हिस्सा है, हमारे हमारी विरासत है, और औरतों सर प्रमोट का किया काम जाता है करना हमारे हमारे मजहब का हिस्सा है। मजहब में, इसको एक्नॉलेज भी किया जाता है, प्रमोट भी किया जाता है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की। मैं एक छोटी सी सर एक यहाँ पर जिमनी बात करना चाहूंगा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। सेंटर फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की तरह हमारा एक इस्लामिक इकोनॉमिक्स का सेंटर भी है। वहां अच्छा, पर कॉन्फ्रेंसेज में औरतों को भरपूर नुमाइंदगी दी जाती है, और इसके बहुत अच्छा अलावा हम मुआशरे में अपने हिस्से का ये काम कर रहे हैं। जी, मैं ये नहीं समझता कि औरतों को इसकी इजाजत होनी चाहिए या इस्लाम इसकी इजाजत देता है या नहीं देता, ये एक तो डिफरेंट बात है। इस्लाम बकायदा तौर पे खवातीन को हर तरह के शोबाजात में लाने को प्रमोट करता है, और बिल्कुल सही। ये जो इस मिसकंसेप्शन है, ये इसकी जो जड़ें हैं वो आप गुफ्तगू के दरमियान में आपने फरमाया था कि इसकी जो जड़ें हैं ना वो डिक्टेटरशिप का एक जो सिया बाब है जियाउल हक साहब का, ये उनसे जाके मिलती हैं। ये सेक्टेरियनिज्म और ये जो एक पेसिमिस्टिक अप्रोच है ये वहां पर परवान चढ़ी थी, और अब इंशाल्लाह ताला ये इसका सदेबाब हो रहा है। आप जैसे स्पीकर जब तक आगे आते ये रहेंगे तो शौर आएगा इंशाल्लाह। वर्ल्ड बैंक वालों की रिपोर्ट का से मैंने ग्राफ लिए, उनकी कैलकुलेशन है, उसके अंदर ये दिखाते हैं कि अगर हम ये बात है कि अगर औरतों को इनकरेज करें और उनके लिए एक वो ऐसे एनवायरनमेंट बनाएं जिसके अंदर वो कंफर्टेबल तरीके से काम कर सकें, एक और मैं क्यों, मेरा अपना एक जाती मेरी जाती सोच है कि हमें एक माशरे के साथ चलना चाहिए। ये नहीं कर सकते कि इकोनॉमिस्ट आगे कहे कि जी आप
औरतों को भर्ती करने और माशरे की सेंसिबिलिटी के खिलाफ कोई बात हो रही हो, लेकिन ये हमें कम से कम कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए। और जो खदशात हैं, चाहे वो किसी के हो, मैं वो फिर वरानी बात में इसलिए नहीं पढ़ना चाहता कि उसमें इवेंचुअली जो है वो हम सब का नुकसान है, चाहे वो कोई किसी मसलक का कोई सोच सोच रखने वाला हो उसमें नुकसान है। हम सब को बैठ के बात करनी चाहिए कि जो खदशात हैं, जो रिजर्वेशन हैं, वो दूर की जाएं औरतों को। मैंने एक स्टडी की, तो मैंने सर्वे किया इंडस्ट्री में, और 90% में नंबर आते हैं, 90% ऐसे कह रहा हूँ, एक जो वास्ट मेजोरिटी थी फर्म्स की, वहां औरतों के लिए फैसिलिटीज नहीं थी कि वो अपना काम कंफर्टेबल तरीके से कर सकें, कि उनका सेपरेट बाथरूम अवेलेबल हो, उनके लिए एक सेपरेट स्पेस क्रिएट की जाए, और उसकी वजह से वहां औरतें काम नहीं करती थी। लेकिन उन्हीं इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने अपने माशरे के मुनासिबत से उन तकाजात को मद्देनजर नजर रखते थे, एहतराम के साथ औरतों को ये जगह बनाई काम करने की। और मेरे नजदीक हम जो हमें अल्लाह ताला कहते हैं कि अपने लिए वो चीज हराम ना करो जो कि मैंने तुम्हारे लिए हराम नहीं की, तो हमें थोड़ा सा, और हमारे बुजुर्ग जो हैं, हमारे जो कह लें जो मजहबी रहनुमा है, दीगर माशरे के रहनुमा है, उनको इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। तो मेरा खुलासा बात का कवर साहब ये है कि जो आपको टेक्निकल मसले हल करने हैं ना, अगर कल को एक डिक्टेटर आ जाता है और कहता है, मैं उसको कहता हूँ डिक्टेटर लॉटरी, कि आप कहते हैं जी डिक्टेटर आ गए, अगर लॉटरी जीत गए, अच्छा डिक्टेटर आ गया, तो कुछ मुल्क है सिंगापुर जैसे जहाँ अच्छे डिक्टेटर ने 50 साल में मुल्क को बदल दिया, जी हाँ, लेकिन पाकिस्तान अभी तक तीनों चारों दफा लॉटरी हारा ही है माजरत के साथ। तो एक तो ये हाल है, मैं उसका हामी नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे नुकसान ही होगा, लेकिन आप करना चाहें तो वो ट्राई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम अपनी सियासत को सियासत के अंदर आगाही पैदा करनी है, और मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम ये मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हमारा मतलब वो है ना कि दुआ और दवा दोनों चीजें होती हैं, तो हमें अपनी दवा का इंतजाम करना है कि दुआ करें कि हमारे हमारा माशरा इस तरफ आए, लेकिन हम जो काम कर सकते हैं वो आगाही पैदा करना है, ताकि कल को सियासी दबाव पैदा हो सियासतदानों पे और दीगर रहनुमाओं पे, कि जो चीजें सबको पता है ठीक करनी है। ये कोई मैं नहीं मानता कि किसी को पता नहीं है कि सड़क से पहले स्कूल आता है, लेकिन सियासी मफादात है ना जिसमें ये चीजें होती हैं, या इनको ये नहीं पता कि जी हाउसिंग सोसाइटी आप रावी पे बना रहे हो, उससे पहले स्कूल तो ठीक करो। मेरी अपनी स्टडी है कि जिसके अंदर पंजाब में हमने क्लिनिक का सर्वे किया, तो एक तिहाई के अंदर बंदा पोस्ट नहीं हुआ था, एक तिहाई जो बाकी के दो तिहाई थे उसमें 50% डॉक्टर जो है वो सीट पे नहीं बैठा हुआ था रैंडम चेक पे। तो ये बातें मेरे बताने वाली या उसके लिए पीएचडी की जरूरत तो नहीं है, जी ये हाँ, चीजें तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक हम अपने अपने एक सियासी सोच पैदा नहीं करेंगे, एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाएंगे जिसके ऊपर हमारे यहाँ दूसरी जो चीज आखिर में वो ये कि सियासी हमारी गुफ्तगू रह जाती है इनफरादियत पर। जब तक हम किसी भी शख्स को, किसी भी लीडर को अदारे के नीचे नहीं खड़ा करेंगे, यानी अदारा जो है वो पहले आता है, इंडिविजुअल जो है वो नीचे आता है, चाहे वो, मैं सख्त खिलाफ हूँ मिलिट्री में चीफ के एक्सटेंशन के, जिससे मिलिट्री का नुकसान होता है, इंस्टीट्यूशन का नुकसान होता है। मैं इख्तलाफ करता हूँ कि किसी किसी पॉलिटिकल पार्टी में एक इंसान की, एक आदमी का नाम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ना कि उसकी उसकी जो पार्टी के मैनिफेस्टो है या पार्टी की सोच है। हमें ये कल्चर क्रिएट करना है कि मैं वो एक शेर है, मैं अहम था यही वहम था, मैं अहम हूँ, ये हमें अपने जहन से निकाल के सोच अहम है इस तरफ आने की जरूरत है। यहाँ आई डॉक्टर थिंक हम इस बात को समझ अली पाए। साहब, आप बहुत खूबसूरती के साथ आपके साथ गुफ्तगू रही, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर वन वर्ड में आपकी सारी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो ये है कि मैथ पब्लिक अवेयरनेस। जब तक हम मैथ पब्लिक अवेयरनेस की तरफ नहीं जाएंगे, हम लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म अपने ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी मेकिंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल
डॉक्टर अली साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से हमें वक्त दिया। मुझे कमर सलीम को सेंटर फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और मिनहाज यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।